हेलो मैडम, कब रहा जल्दी लाइन अच्छा बाबा मैं जाती हूँ, तबियत ठीक नहीं है, ऊपर से बार बार करते रहते हैं लोग। कहते हैं बम्बई में न बस और न लड़की का भरोसा है। नो थैंक यू, इट्स ऑल राइट। बस आ गई, अरे गाड़ी का गाड़ी को पीछे पीछे। अरे मैम साहब अपनी जगह पर वापस ये रुक जाइए, पहले उतरने दीजिए। चलिए पहले तीन, एक दो मैं आप रुक जाइए, मैं इनके साथ हूँ। जगह नहीं जी, ये मेरे साथ आपके साथ है। आइए कंडक्टर साहब, मैं नहीं चल सकता। नहीं साहब नहीं, जगह नहीं है। आपके साथ हूँ, बोल दिया एक दफा, जगह नहीं है। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए ना, आप दोनों बैठ जाइए, हमें अगले स्टेशन उतरना है। आप कहाँ जाएंगे साहब? प्लीज आगे बढ़िए। आप कहाँ जाएंगे साहब? ठीक है, थैंक यू। आपकी टिकट ली है? टिकट प्लीज। आप कहाँ जाएंगे? दो अंधेरी। लेकिन लेकिन मुझे तो विले पार्ले जाना है। विले पार्ले तो मुझे भी जाना है, लेकिन अंधेरी से होकर। आप दो अंधेरी दीजिए। हाँ नहीं, ये लीजिए, टिकट प्लीज, टिकट टिकट प्लीज टिकट। झूठ बोलना था तो कम से कम ढंग से बोलना था। पहले तो उसे कह दिया कि हम दोनों साथ में हैं, और फिर कहने लगे मुझे विले पार्ले जाना है। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। ओह, तो आपको झूठ बोलने का शौक है? जी नहीं, मजबूरी थी। अच्छा, आगे बढ़िए साहब, आगे बढ़िए। टिकट एस्क्यूज़मी, कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं आप? जी मैं पढ़ चुकी। पढ़ तो दरअसल मैं भी चुका हूँ, दो ही महीने में डॉक्टर बनने वाला हूँ। गुड।
मिले पाल आगे। मैं तीली गली अंधेरी में रहता हूँ, मेरा नाम गोपाल है। टिकट का शुक्रिया। ओह इट्स ऑलराइट बट तुमचा पावशे एक रुपया। माइकल अर्ज है किसकी रही है और किसकी रहेगी, ये नोटांग रही है और नोटांग देवदास तेरे को आज बहुत हो गया, अब और नहीं मिलेगा समझा। माइकल देवदास को मायूस न कर, एक नोटांग बोला मेरा कि जाती हो गया और नहीं मिलेगा। गोपाल बाबू क्यों माइकल आज दिन में शुरू हो गए? अरे गोपाल बाबू आज शनिवार है ना, भाई लोग सारा दिन में ही चालू हो जाता है। अच्छा इसीलिए तो कहता हूँ माइकल एक नोटांग और पिला दे, नहीं तो देवदास रोएगा। देवदास का पास आगे इधर से देखा क्यों माइक, तुम अपने गागू को धक्का भी मार देते हो। अरे गोपाल बाबू तुम इस साले को नहीं जानता, अभी चालू किया ना तो अखा रात चालू रहेगा। चलो चलो आता है, बीवी को घर पर जाके मारेगा, उससे झगड़ा बनाएगा और इसका बीवी बेचारा कल सुबह हमारे पास रोता हुआ आएगा। एक बात बताओ माइक, तुम इन लोगों के घर का इतना भला चाहते हो ना, तो फिर ये धंधा क्यों नहीं बंद कर देते? गोपाल हम ये धंधा बंद करेगा तो अपने घर का धंधा कैसे चलाएगा, बाल बच्चे का पेट किधर से पालेगा? अरे हेलो अंकल। अरे बच्चे अंकल तुम्हारी मम्मी का आज क्या हुआ? क्यों वो तुम्हारे डैडी के साथ हॉस्पिटल गया है? अच्छा भाई क्यों गोपाल बाबू अस्पताल से आ रहे हो या जा रहे हो? मामा पहले मेरा हाथ देखो, मामा पहले मेरा भाई तुम्हारा हाथ देखो, सबका देखो हाँ तुम्हारे हाथ में इस बार भाई लिखा हुआ है, तुम्हारे हाथ में इस बार बहन लिखी हुई है, तो इसका मतलब यह हुआ मेरे भांजो और भांजियों कि इस बार तुम्हारे एक भाई और एक बहन दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। ओह नो नॉट अगेन। यस अगेन एंड अगेन। लेकिन भांजे तुम क्यों घबरा गए, जीती रहे मेरी जीजी, घर में हर साल नया बच्चा खेलेगा। बच्चा तो खेलेगा लेकिन जिसे खिलाना पड़ेगा उसका भी सोचा है तुमने? अरे खिलाने पिलाने के लिए जीते रहे जीजा जी, आखिर किस चीज की कमी है इस घर में? है नहीं तो हो जाएगी, ढलती उम्र है उनकी, कब तक ये बढ़ता हुआ बोझ उनके बूढ़े कंधे बर्दाश्त कर सकेंगे? दीदी अभी अस्पताल से आती होगी, उसको समझा देना। इस बात की समझ माँ और बाबूजी को खुद होनी चाहिए। आने दे दीदी को, ऐसा नमक मिर्च लगा के समझाऊंगा कि नाक और मुंह से पानी बहने लगेगा। समझा देना बोर मत कर। लॉन्ड्री से कपड़े लाएगी नहीं? हाँ, मुझे पार्टी में जाना है। ये लो अपना सूट, चार आने बचे थे उसकी मैंने बीड़ी पी ली। भैया Going to a party? भैया थोड़े से कुछ रुपए दो ना। ओह सपना तुम्हें भी उतना ही जेब खर्च मिलता है जितना मुझे मिलता है, तो ये करके क्यों? भैया तुम तो कंजूस हो, दो ना प्लीज। चुप चुप चुप, चुप। इतने पैसे हैं ये मेरे बस के लिए, ये लो तुम। थैंक यू थैंक यू। फ्रेंड्स भाइयों और बहनों, हमारी शादी की पांचवी सालगिरह पर आने के लिए और ये सब तोहफे लाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इनफ इनफ इनफ। इस पार्टी में दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, जॉनी वॉकर और राजेंद्र कुमार तो नहीं आ सके, लेकिन दिलीप कुमार की जगह आए हैं दिलीप और देवानंद की जगह आए हैं सेवानंद, और राज कपूर की जगह आए हैं राज किशोर, और जानी बॉकर की जगह आए हैं जानी विस्की। और हेलो 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 ओ हेलो, मुबारक हो सीताराम, मुबारक हो। ओह शुक्रिया शुक्रिया, कहो
कैसे हो राजेंद्र नाथ? ओ भाभी मुबारक हो, आपके लिए एक बड़ा सा तोहफा। थैंक यू। यो भाई कैसे हो? आओ। अरे यार थैंक यू वेरी मच, मैं जरा जल्दी में हूँ, मैंने शूटिंग पे जाना है। ये देखो मेरा ड्रेस सूट। बाय बाय। भाभी क्या सीताराम अब भी समझता है कि उसकी शक्ल मुझसे बहुत मिलती है? अच्छा कमता, ये तो बताओ इस बार भाई साहब ने तुम्हें क्या तोहफा दिया? हर साल की तरह एक बच्चा। हुजूर की शादी को 5 साल हो चुके हैं और 5 साल में 5 लड़कियां मौजूद हैं। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझे भी विले पार्ले जाना है, लेकिन अंधेरी से होकर। मीना तुम गोपाल को जानती हो? इनसे पूछिए ये मेरे बारे में क्या नहीं जानती। मेरा नाम, मेरा पता, मेरा पेशा। सच? कमला कई लोगों को ढंडोरा पीटने का मर्ज होता है, ये अपने आप ही सब कुछ बता रहे थे। बस में? मैंने ये तो नहीं पूछा कि ये बस में बता रहे थे या। ओहो क्यों मीना मेरे कमला पे डोरे डाल रही हो? मेरे पर नहीं, किसी और पे। ओह वेरी गुड वेरी गुड। तो प्यारे इसी बात पर एक भयानक गीत हो जाए, मेरा मतलब है भड़कीला गीत हो जाए। क्या? अरे होगा होगा, डांस भी होगा, डांस भी होगा। देखते ही तुझे मेरे दिल ने कहा, देखते ही तुझे मेरे दिल ने कहा, जिंदगी भर तुझे देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। जाने क्या बात है सादगी में तेरी, जाने क्या बात है सादगी में तेरी, बस नजर से तुझे चूमता ही रहूं, चूमता ही रहूं। जब एक अंदाज है तेरा अपना, अजब एक अंदाज है, तेरी आंखों में मस्ती भरा राज है, मेरी नजरों ने लाखों में चाहा तुझे, आज अपनी नजर पे मुझे नाज है। हर अदा में तेरी है कयामत सनम, हर अदा में तेरी है कयामत सनम, बस कयामत से मैं खेलता ही रहूं, खेलता ही रहूं। देखते ही तुझे मेरे दिल ने कहा, जिंदगी भर तुझे देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। इधर ओ मुस्कुरा के जो देखा है तूने इधर, मैंने दिल में छुपा ली वो तेरी नजर, दर्द बढ़ता ही जाएगा अब प्यार का, तीर दिल से ना निकलेगा ये उम्र भर, दर्द दिल की दवा तू जो दे दे मुझे, दर्द दिल की दवा तू जो दे दे मुझे, हर घड़ी मैं तुझे पूजता ही रहूं, पूजता ही रहूं। देखते ही तुझे मेरे दिल ने कहा, जिंदगी भर तुझे देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। माँ क्या बात है आज सुबह सुबह ही? सुबह सुबह के बच्चे, मैं तो तुझे रात को यहाँ सोने नहीं देती।
बुरा हो इस शंभू का, इसने मुझे पहले नहीं बताया कल रात तू मेरे और मेरे बच्चों के बारे में क्या क्या बक रहा था। ओफ माँ वो। हाँ हाँ ठीक है, मैं तेरी सौतेली माँ हूँ और मेरे बच्चे तेरे सौतेले भाई बहन है। तू उनसे जलता है और तू उससे भी जलता है जो इस संसार में अभी तक आया भी नहीं। लेकिन मैं पूछती हूँ, तेरा बाप तो सगा है, उसे बूढ़ा कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैंने उन्हें बूढ़ा नहीं कहा माँ, लेकिन अब फौजी कदम दिन ब दिन बुढ़ापे की तरफ ही तो बढ़ रहे हैं। बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ रहे होंगे तेरे बाप के, मैं तो अभी जवान हूँ। भगवंती इसको बता दे, जब मैंने डॉक्टर को ये बताया कि तू फिर से मैं बनने वाली है तो नर्सें कैसे घूर घूर कर देख रही थी मुझे। वो तो ठीक है, लेकिन ये मनोज जो मेरे बच्चों के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, इसका क्या होगा? तुम जानती हो मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। अच्छी नहीं लगती तो चला क्यों नहीं जाता यहाँ से? तबाह हो जाए यहाँ से। भगवंती बात को इतना न बढ़ाओ। बात तो बढ़ चुकी है जीजा जी। तो चुप कर, आज इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। इस घर में या तो ये रहेगा या मैं रहूंगी। भगवंती मैं ठीक कह रही हूँ जी, इस घर में या तो ये रहेगा या मैं। नहीं माँ, तुम यहीं रहोगी, मैं ही चला जाता हूँ। मगर तुम कहाँ जाओगे? कहीं भी बाबूजी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस घर की खुशियां बर्बाद हो। जा ही रहा है तो ये अंगूठियां उतार कर जा, निकाल जल्दी दे। भागवंती ये सब क्या हो रहा है? मैं नहीं चाहती कि ये जेवर बेचकर इस घर की इज्जत को खराब करे। इस घर की इज्जत को हमेशा अपनी इज्जत समझूंगा माँ, सिर्फ ये अंगूठियां ही नहीं, इस घर की हर एक चीज यही छोड़ के जाऊंगा। और ये जो सीख की बुशर्ट क्या तेरे बाप ने दी थी? हाँ माँ, दी तो बाबूजी ने ही है, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं इस घर के कपड़े भी ना पहनूं तो ऐसा ही होगा। तौलिया उतारने के लिए मत कहिएगा, ये तौलिया इस घर का नहीं है, मेरे दोस्त रमेश का है। गोपाल, गोपाल अपनी माँ से माफी मांग ले, माफी मांग ले मगर इस घर को छोड़ कर ना जा। किस बात की माफी मांगू बाबूजी, क्या कसूर किया है मैंने? अरे कसूर नहीं भी किया फिर भी माफी मांग ले, इसलिए मांग ले मेरे बच्चे, ताकि तू मेरी आंखों के सामने रह सके। अजी छोड़िए, क्यों खुशामद कर रहे हैं इसकी, जाता है तो जाने दीजिए। गोपाल भगवंती उसको रोक ले, रोक ले। अजी क्या रोक ले, दो फाके लगेंगे, खोटे पैसे की तरह घर वापस आ जाएगा। हाँ अब नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। गोपाल अंकल, अंकल तुम्हारा कपड़ा नहीं। अंकल अंकल तुम हमारा कपड़ा पहनो अंकल। थैंक यू। में जाएगा भाई बोरी बंदर। बोरी बंदर? हाँ। बोरी बंदर का कितना पैसा होता मालूम होता है? हाँ यही कोई 9-10 रुपए। अरे 9-10 रुपए नहीं होता, 1000 रुपए शायराना होता है। अरे भाई इतना पैसा काय को बर्बाद करता है, एक नया पायजामा कुर्ता पहनो ना। इतने ही अगर कपड़े खरीदने के लिए मेरे पास पैसे होते तो कि मैं टैक्सी में जाता। वाह 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 वाह, जेब में पैसा भी नहीं होता टैक्सी भी छोड़ेगा, तुम क्या समझता हूँ तुम्हारे को फोकट में ले जाएगा? मैं जानता हूँ तुम मुझे फ्री नहीं ले जाओगे, बोरी बंदर में मेरे दोस्त का ऑफिस है, वहां से उससे पैसे लेकर तुम्हें दे दूंगा। बोरी बाबा रे, एक ही अमर भोगा वाला अच्छा ना की। अरे भाई अगर तुम्हारा दोस्त उधर में नहीं होता होएगा तो फिर क्या होएगा? तो उसके घर से पैसे लेकर दे दूंगा तुम्हें। अगर वो घर जाने के बजाय हिल स्टेशन चला गया होएगा तो आप चले जाइए, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। नमस्ते, जाइए जाइए, तशरीफ ले जाइए। तुम आदमी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता होता, चलो बसो गाड़ी में। अच्छा अच्छा चलो भाई।
मीटर डाउन करो। हाँ क्यों नहीं, ये लो ये नीचे चलो। Yes, it's Arthur Import Export Company here. Just a moment, please. Excuse me, is Mr. Sitaram in his cabin, please? Yes, he is. Thank you. Oh, God! No servants. Yes, sir. A man without clothes coming to your room. I am very busy. कल सुबह फोन करो। साहब बड़े साहब आ गए। आने दो। बॉस, टाइपिंग, टाइपिंग, टाइपिंग। अरे कागज तो लगाओ, कागज, कागज। सॉरी। गुड मॉर्निंग सर। गोपाल ये क्या है? ओ गॉड, ये मेरा ऑफिस है। ये जुहू बीच जो तौलिया पहन के आ गए। सीताराम, अरे सीताराम के बच्चे, सीताराम का बॉस आने वाला है, यहाँ से भागो। मैं अभी भागता हूँ, पहले कपड़े खरीदने के लिए पैसे देना। पैसे देना? ये कोई देना बैंक है? नहीं देगा। नहीं दूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे वो मर गए, ये पांच रुपए। पांच रुपए के बच्चे, बहुत ज्यादा पैसे हैं। सर बॉस इज कमिंग। कहाँ बोल रहा हूँ। आइए आइए आइए, वेलकम 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 माय बॉस, वेलकम वेलकम। क्या बात है सीताराम, बहुत घबराए हुए हो? नहीं नहीं, बात यह है, नया बजट आने वाला है ना। तो तुम्हें नया बजट से क्या? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं है। बात यह है, नए बजट से सभी लोग घबराते हैं, मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी घबरा लूं। सीताराम तुम स्याही पी गए हो। सीताराम, सॉरी, ये क्या किया? माफ करना। छोड़ो, मुझसे गलती हो गई। छोड़ो, छोड़ो मुझे। आप कहाँ जा रहे हैं? बाथरूम में। क्यों? कपड़े धोने। मैं आपको धोबी घाट ले सकता हूँ। वॉर्ड ही मेरा मतलब है, मैं धोबी यही बुलवा देता हूँ। सेक्रेटरी धोबी लेके आओ। छोड़ो मुझे। शट अप, इडियट। ओके, बदतमीज कहीं का। आई एम सॉरी। ओह नो, मैं इसे जितना अकलमंद समझता था ये उतना ही बेवकूफ निकला। नौकरी से निकाल दूंगा। बताओ मैंने कहां जाना था और तूने मुझे कहां फंसा के रख दिया? मैं तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, निकाल दूंगा। देखा मोहन, कमाल है, कैसे कैसे लोग कैसे कैसे कपड़े पहन के फिरते हैं। आई नो। ये रहा आपका तौलिया साहब। कितने पैसे? ऑन द काउंटर प्लीज। अच्छा, वाओ। आओ जी, मैं इनसे कह रहा था। जी मैं अपने हस्बैंड को बुला रही थी। आओ छो। आप जी, दो दिन में तीन बार मुलाकात। मैं नहीं जानता था कि दुनिया इतनी छोटी है और मेरा नसीब इतना बड़ा। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप मेरे लिए बहुत लकी हैं। वो कैसे? देखिए ना, कल आपसे मुलाकात हुई और आज मुझे नौकरी मिल गई। खूब, आपको नौकरी मिल गई और मुझे आजादी। कहाँ से? घर से।
निकाल दिया गया हूँ। क्यों? वो एक लंबी दास्तां है। इस वक्त तो मुझे एक ही प्रॉब्लम है, रहने को कहीं एक कमरा मिल जाए तो देखते हैं कहाँ मिलता है। तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। क्यों? मालिक घुर घुर के देख रहा है। तुम शाम को मुझे बाहर मिलना, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। अपने घर? हाँ, मेरे घर में एक कमरा खाली है, मैं वो तुम्हें दिलवा दूंगी। प्लीज जाओ। अच्छा अच्छा। माजी केंद्रीय रेलवे मंत्री श्री पार्टी जवाब दाखिल के लिए गया। उपाल लीला, वो एक बार मीना के साथ कौन आ रहा है? जो भी आ रहा है बहुत जच रहा है। क्या मतलब? बाबा। हाँ बेटे। माँ, ये गोपाल है। या बस आइए। आओ बेटे, आओ बेटे। बेटे आप? बाबा, गोपाल को कमरा चाहिए था तो मैंने सोचा। बहुत अच्छी बात है, वो कमरा दिखा दो। आइए। अरे सुनो, तुम कौन जात हो? जी मैं जात पात में यकीन नहीं करता, मैं हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तानी तो हम भी हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि रहने वाले कहाँ के? पार्टीशन से पहले हम लोग लाहौर रहते थे, अब बंबई का ही समझिए। तुम्हारा रंग ढंग और शहर देख के मैं पहले ही समझ गई थी कि तुम पंजाबी हो। जी तो फिर कमरा देखने की कोई जरूरत नहीं। बाबा। जी मैं आपका मतलब नहीं समझा। पंजाबी कितने लड़ाके होते हैं ये बात किसी से छुपी हुई नहीं। आजकल जबकि देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, हर इंसान को लड़ाका होना चाहिए। हम उस लड़ाई की बात कर रहे हैं जो हर महीने की पहली तारीख को होती है। किराएदार किराया नहीं देता और मकान मालिक। माँ, गोपाल हर महीने किराया दे देंगे, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मीना तुम अंदर जाओ, जाओ। तुम भी जाओ भाई, हमें तुम जैसे लड़ाकों को मकान नहीं देना है। अगर आपका ख्याल ठीक होता कि हम लोग लड़ाके हैं तो अब तक आपकी और मेरी लड़ाई हो रही होती, लेकिन नहीं, मकान आपका है और मर्जी भी आपकी है। नमस्ते। तुमने तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन देखो गोपाल, कल शाम मुझे फिर मिलो, मैं तुम्हें एक सहेली के यहाँ कमरा दिलवा दूंगी। मिलोगे ना? कमरा मिले ना मिले, मैं तो जरूर मिलूंगा। मीना, कहीं तुम मुझे मेरे घर ही तो नहीं ले जा रही? इस गली में तुम्हारे घर के अलावा और बहुत से घर हैं, मैं तुम्हें उस घर में ले जा रही हूँ। उस घर में? ओह, बिल्कुल मेरे घर के सामने। तुम अभी उसे अपना घर समझते हो? वो घर चाहे मुझे अपना समझे ना समझे, लेकिन उसे हमेशा अपना ही घर समझूं। बाबा मन की आंखें खोल। शंभू शंभू, देख देख, मोहल्ले में जलजला आ गया है। जलजला? अरे भांजे के साथ जवान लड़की। दीदी, अंकल, अंकल, तुम्हारे मम्मी तुम लोगों से निकाल दिया। अंकल, ओ बच्चा, थैंक यू। कितना चूना लगाऊं देवदास? छह भांजे लगाऊं जानकी दास? तो मदन साहब, ये लीजिए इस महीने का एडवांस किराया। ये तो महीना खत्म होने के बाद भी दिया जा सकता था। अच्छा मैं चलूं। मीना, ऐसे नहीं जाने दूंगी, आज मैंने सरसों का साग बनाया है, खाना खा कर ही जाना। नॉट अ बैड आइडिया। मुझे भूख नहीं है सपना। बाबूजी, आपने कल से कुछ नहीं खाया, भूख कैसे नहीं है? सच्ची मुझे भूख नहीं है। अपने बेटे का शोक जो मना रहे हैं। माँ, बाहर बनती शर्म नहीं आती? अजी मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? चलकर देखिए अपने बेटे की करतूत,
सामने वाले घर में एक जवान लड़की लेकर आया है। जवान नहीं तो क्या बुड्ढी लेकर आता है, जब देखो मेरे बच्चे के बारे में कुछ ना कुछ बोलती रहती है। शंभू अपनी आंखों से देखकर आ रहा है। सत्यानाश हो शंभू का, जब तक शंभू इस घर में ये घर कभी आबाद नहीं हो सकता। जीजा जी, घर की आबादी दिन दुगनी रात चुगनी बढ़ती जा रही है और आप कहते हैं घर आबाद नहीं हो सकता। बाकी रही गोपाल की बात, तो हाथ कंगन को आरसी के, पढ़े लिखे को फारसी के, अपनी आंखों से डाल के देख लीजिए। चुप रहो। अब मुझे जाना चाहिए, शायद बारिश होने वाली है। चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? अरे मीना, अगर मर्द तकलीफ और तकल्लुफ न करे तो उन्हें मर्द औरत कहे कौन? क्यों गोपाल भैया? जी जाओ गोपाल, इनके साथ जाओ। चलो मीना, लगता है बहुत बारिश होने वाली है। कितनी बिजली चमक रही है। ओके बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। घर समझ के रहो दोस्त। हाँ हाँ, ये भी तुम्हारा अपना घर है। अच्छा मैं चलूंगा। अच्छा। दिखाओ दिखाओ क्या कर रहा है वो बदमाश। आंखें कमजोर हो गई हो तो दूरबीन लगा कर देखिए, वो रहा आपका बेटा शराफत का पुतला। राम राम, भगवंती ये मेरा बेटा है? आपका नहीं तो क्या पड़ोसियों का है? अरे को भागवंती, आज 24 तारीख, 6 दिन रह गए, पहली को तनख्वाह मिलती मैं तुम्हें ऐनक लगवा दूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि तू भी दूरबीन लगा कर देख के किसका बेटा। लाइए। आज से मेरे बेटे के बारे में ऐसी वैसी बात कभी ना करना, जब देखो उस ऊपर इल्जाम लगाती रहती है। शंभू, अरे वो मर गया है। हाँ हाँ, 2 महीने बाद तो डॉक्टर तो मैं बन ही जाऊंगा। ऐसा क्या? हाँ, और छोटी मोटी नौकरी तो आज ही मिल जाएगी। अरे छोटी मोटी नौकरी तो तुझे मिल जाएगी मेरे मामा। मामा कौन? तू के मैं? कल तक मैं था लेकिन आज से तुम हो। गोपाल क्या हार्ट है ये लड़कियां फंसाने का तेरे पास, कल कोई और जो आज सुबह देखी वो और। देख शंभू, उनके बारे में कुछ ऐसी वैसी बात नहीं करना, वो मेरे बहन जैसी है, समझा? खैर उसकी बात छोड़ी, लेकिन रात वाली की? उसकी बात और है, लेकिन तुझे इन बातों से क्या? चल अपना काम कर। अच्छा भाई क्या क्या मैं दिल नहीं रखता? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या जवान नहीं? हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रहा है तेरी जवानी का शंभू। पर शंभू आजकल छोकरी से पहले नौकरी होने को मांगता। नौकरी? हाँ, लेकिन गोपाल के पास कौन सा नौकरी है? गोपाल के पास? अरे तू गोपाल का क्या बात करता है रे, गोपाल तो 4 दिन के बाद बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। तू क्या बनेगा? हम? हाँ हम भी कुछ बन जाएगा।
ईटा भाई ईटा भाई आए तो मान जाओ और शादी कर ले। ए शंभू, हमको चार छह शादी बनाने का होता ना तो हम तेरे साथ एक शादी जरूर बनाता, पर तेरा नसीब हमको एक शादी बनाने का है। पर वो एक शादी हमारे साथ ही बनाओ ना। ईटा भाई हाय हैंडसम, हाउ आर यू? क्या हाल गोपाल? गोपाल गोपाल एक बात कहूं यार, दुनिया वाले यूं ही शोर मचाते रहते हैं कि चार्ली चैपलिन ने 70 साल की उम्र में बच्चा पैदा किया। लुक एट हिज फादर, हर साल नया मॉडल तैयार करते हैं और जब तक जिंदा है करते रहेंगे। मेरे बारे में जो मजाक करना है कर लो, लेकिन अगर मेरे माँ बाप के बारे में कुछ भी कहा तो अच्छा ना होगा। यार ये तो धमकी देने लगा, कमाल है। अरे भाई क्यों नहीं, क्यों नहीं, घर में बच्चों की फौज जो तैयार करनी है फौज। मैंने तो यूं ही मजाक किया था, तुम तो बुरा मान गए। मजाक के बच्चे। अरे रमेश उफ़ मैं समझा कि कमाल है यार, हम तुम्हारे लिए नौकरी का अरेंजमेंट करते हैं और तुम हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हो। आई एम सॉरी यार, थर्ड के तुम उनमें से एक हो, माफ कर दो यार ये सब कमीने। आओ चलो। अच्छा खैर ये बताओ, नौकरी का इंतजाम कहाँ किया? अपने घर में। क्या मुझे रसोइया बनाओगे क्या? नहीं यार, मेरी छोटी बहन मिडिल में पढ़ती है, साइंस में जरा कमजोर है, उसको पढ़ाने के लिए। डोंट वरी, ऐसा पढ़ाऊंगा कि क्लास में फर्स्ट आएगी। रियली? आओ गोपाल। डैडी माय फ्रेंड गोपाल, ये आज से अंबा को साइंस पढ़ाएंगे। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। बेबी बेबी अंबा। यस डैडी। इधर आओ, क्या देख रहे हो भाई? जी वो बेबी। अरे भाई ये बेबी नहीं तो क्या उसकी मूर्ति खड़ी है? यस डैड। कम हियर, इधर आओ बेटा। देखो बेटा ये है तुम्हारे नए टीचर गोपाल। नमस्ते। जाओ अपनी किताबें ले आओ। तुम बैठ जाओ बेटा। रमेश तुम मेरे साथ आओ जरा। इधर पढ़े। चलिए निकालिए साइंस की किताब। आज अगर साइंस की बजाय आर्ट पे बात की जाए तो कुछ हट जाए। आर्ट पे? मेरे महबूब जी, फिल्म देखी थी आपने? जी नहीं, लेकिन मेरे महबूब का इससे क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है मास्टर जी। आप अगर उसकी कहानी सुने तो कह उठे कि हम तीनों की कहानी है। हम तीनों की कहानी? उसमें उसमें अशोक कुमार था, मेरे भाई जैसा। अच्छा। और उसका एक दोस्त था राजेंद्र कुमार, तुम्हारे जैसा। और उसकी एक बहन थी साधना, मेरे जैसी। मारे गए। और जब वो अशोक कुमार के कहने पर मुझ जैसी लड़की साधना को पढ़ाने आता था तब जानते हो क्या हुआ? जो नहीं होना चाहिए था। जी जी, उसे अपने दोस्त की बहन को अपनी बहन समझना चाहिए था, जैसे कि मैं आपको समझता हूँ। शाबाश नौजवान, हम तुमसे बहुत खुश हुए। अगर तुम चाहो तो आज ही हम अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हैं। जी मैंने तो इन्हें अभी भी अपनी बहन कहा है। नेवर माइंड, शादी के बाद मत कहना। कहो तुम्हें रिश्ता मंजूर है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपना रिश्ता कहीं और जोड़ चुका हूँ। नमस्ते डैडी। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा। कम Thank you.
क्यों जा रहे हो बदतमीज? तुम यहीं रहो, हम ही चले जाते हैं। आओ मीना। कमबख्त ये लड़के हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं। अरे लड़के तो लड़के, आजकल लड़कियां भी कुछ कम नहीं, खाम खा हक जताने लगती हैं। तुम्हारा मतलब मैं खाम खा? अरे तुम नहीं, मैं तो अम्बा की बात कर रहा था। अम्बा? हाँ, मेरे दोस्त रमेश की बहन, अच्छी लड़की है। सभी गुण मौजूद हैं उसमें, खूबसूरत है, जवान है और अच्छे घराने की भी है। हाँ साइंस में थोड़ी कमजोर है, लेकिन लड़कियों का क्या, साइंस में कमजोर हो या होशियार हो उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बड़ी भोली है, देखो ना पहली मुलाकात में इतनी गुल मिल गई है। इतना गुल मिल गई है तो यहाँ आकर प्यार जताने की क्या जरूरत थी, वही बैठे रहते उसके पास। सभी गुण मौजूद है उसमें, खूबसूरत है, जवान है। ओफो, तुम तो यूं ही नाराज होती जा रही हो। नाराज नहीं हो तो क्या खुशियाँ मनाऊं इस बात पर? तालियां बजाओ, डांस करूं? अरे बाबा, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि वो मेरे दोस्त की बहन है, और दोस्त की बहन अपनी बहन के बराबर होती है। क्या मतलब? ओए आखिर तुमको आ ही गया अंदाज तो प्यार जताने का, ओए आखिर, ओए आखिर तुमको आ ही गया अंदाज तो प्यार जताने का। प्यार जताने का बात बनाने का।
फिर तुमको आ ही गया अंदाज तो प्यार जताने का, अंदाज तो प्यार जताने का। वो क्या? वो गोपाल है ना। गोपाल? कौन सा गोपाल? जिसे जिसे मैं घर लाई थी। हाँ हाँ। हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। गोपाल से शादी? ओ, गोपाल का भूत अभी तक तेरे सर से नहीं उतरा। बाबा कान खोल कर सुन लो, अगर दोबारा उससे मिलने की मैं तुम दोनों को गोली छोड़ा दूंगा, समझी? फिक्र मत कर बेटी, अच्छे से अच्छे खानदान का लड़का मैं तेरे लिए ढूंढ के लाऊंगी। लेकिन गोपाल में क्या बुराई है? सबसे बड़ी बुराई तो एक ही है कि वो हमारे जात वाला नहीं। लेकिन ये सब बातें पुरानी हैं। कुछ भी हो मीना, लेकिन वो गोपाल से तुम्हारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। लो निवाजन, मुंह मीठा करो और मेरे मुंह में लड्डू डालो। आज तुम मुझे 20 वर्ष के बाद मिले हो और तुम्हारी भाभी भी आज ही अस्पताल से वापस आई है। क्यों भाभी अस्पताल क्यों गई थी? सातवीं बार गो धरी हुई है भगवंती, भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा से या तुम्हारी मेहरबानी से? अरे अपनी मेहरबानी तो बचपन से ही है। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारा एक बड़ा लड़का भी तो था ना? भाई साहब हमारा कोई बड़ा बेटा नहीं, यही हमारी बड़ी बेटी है। रानी है रानी। दीवानचंद, जिस लड़के के बारे में तुम कह रहे थे ना, हाँ, वो आजकल हमारे साथ नहीं रहा था। अच्छा? आज खुशी का दिन है, तू ही भगवंती को समझाना कि चार लड्डू उसके यहाँ भेज दे। चार लड्डू उसके यहाँ भेज दे, हलवा ही ना बिठा देती उसके घर पर। भगवंती हार में गई। भगवंती मैं आपसे पूछती हूँ, ऑपरेशन कराने के लिए जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने भेजे पैसे? वो तो भला हो मेरा जो अच्छे बुरे दिन के लिए मैंने कुछ सोना जमा कर रखा था, ऑपरेशन कराने के लिए मुझे अपना हार बेचना पड़ा, तब जाके ये लड़की पैदा हुई। अरे भगवान, तूने तो हार बेच कर लड़की पैदा कर ली, मगर वो गरीब पैसे कहाँ से लाता? जीजा जी एडवांस ले लेता दफ्तर से। एडवांस ले लेता दफ्तर से? तेरे बाप ने दफ्तर खोल रखा उसके लिए? दफ्तर ना मेरे बाप ने खोल रखे है ना उसके। जीजा जी आपका बेटा डॉक्टर बन गया, डॉक्टर। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। आज टैक्सी में मेरी मीना, आज पगार मिली है ना इसलिए। जनाब महीने में सिर्फ एक बार पगार मिलती है। ठीक है हुजूर, फिर टैक्सी में भी एक ही बार बैठेंगे। एजे, ये तुम क्या बोलता हो? तुम बैठना मांगता है रोज टैक्सी में बैठो ना। मीना ये मेरा दोस्त है बशीर, कड़की के दिनों में बड़ा काम आया था। ये है मीना। नमस्कार भाई। गजीबो चल रहा है, गजीबो। कैसा दोस्त है तुम्हारा, उल्टी सीधी बातें कर रहा था। उल्टी सीधी नहीं, सीधी सीधी बात कर रहा था। एक दिन तो भाभी बनोगी ही। क्या? मेरी नहीं उसकी। ये क्या? अब मेरी नौकरी शुरू और तुम्हारी खत्म। क्यों? अब तुम्हें घर संभालने, बच्चों की देखभाल करने और उन्हें अच्छा हिंदुस्तानी बनाने से फुर्सत मिलेगी तो किसी की नौकरी करोगी, है ना? यस सर। क्या पियोगी मीना? अब भी नहीं जानते। ओ, दो कॉफी। ओके सर। कैसी अजीब हुई हमारी शादी, हम दोनों के माँ बाप होते हुए भी ना कोई मुझे दामाद कहेगा और ना कोई तुम्हें बहू रानी। तुम क्यों मायूस होते हो गोपाल, तुमने तो बाबूजी से शादी की बात भी नहीं की। मैं जानता हूँ
माँ भाऊजी को हमारी शादी पर आने नहीं देगी। एक बार जाकर तो देखो। कोई फायदा नहीं मीना, लेकिन तुम कहती हो तो जरूर जाऊंगा। गोपाल। अरे देवदास, ठीक है ठीक है। अंकल तुम तो भाई क्या काम? मार्बल खेल रहे। राम राम लाला जी। राम राम जी। राम राम राम। हेलो अंकल। हेलो जी। हेलो सेठ। हेलो माइकल, क्या हाल है? राम राम। जय राम भाई। भैया दूध का बिल ले आए? बाबू बिल ले तो गए रहन 50 रुपया दी। भैया हर महीने 50 तो बनते हैं बाबू। अब की 85 भाई। 85 ये कैसे हो सकता है? दूध का भाव बढ़ गया क्या? नहीं बाबू, जब से बिटिया पैदा भाई है तब से दूध की खपत बढ़ी है। अरे ओ भली मानस भागवंती। क्या है? अरे ये दूध वाला भैया और पैसे मांग रहा है। इस छोटी बच्ची को अपना दूध क्यों नहीं पिला दिया करती? 7 बच्चे आप पाल कर देखिए। दूध तो क्या जिस्म में खून भी नहीं रहेगा। अगर मैं बच्चे पालूंगा तो तू क्या करेंगे? दूध का बिल मैं दे दिया करूंगी। आप मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए जाइए, चुपता कीजिए। भागवंती अब तो ये जी चाहता है कि आप नहीं चुपता कर डालू। आमदन बढ़ती नहीं और खर्चा बढ़ता जा रहा है। जाइए मैं कहती हूँ, बिल चुपता कीजिए। जाइए। लो भैया जी अपने पैसे। दूध वाले को पैसे मैंने दे दिए बाबू जी। गोपाल आज तू कैसे आ गया रे? अरे पाँव क्या छूटा है? मेरे सीने से लग गया मेरे लाल। बाप के कलेजे में साल से बैठे। अरे सुन ले, तुझे मेरी याद करेगी ना? याद तो बहुत आएगी बाबू जी, लेकिन मैं आना सका। आना सका और आज आ गया बाप का कर्जा चुकाने के लिए। चल अंदर आओ बेटा। बाबूजी मुझे आशीर्वाद चाहिए। कल मेरी शादी है और मेरी प्रार्थना है आप लोग जरूर आइएगा। क्यों रे, हमारे आए बगैर शादी नहीं होगी क्या? श्लोक नहीं निकलेंगे पंडित के मुंह से? माँ शादी के लिए पंडित के श्लोकों की ही नहीं, माँ बाप के आशीर्वाद की भी जरूरत होती है। वाह वाह, दुनियादारी के लिए आशीर्वाद की जरूरत पड़ी तो यहाँ आ गया, लेकिन जब माँ बाप को पैसों की जरूरत थी उस वक्त कहाँ मर गया था? माँ मुझे आज पहली तनख्वाह मिली है और इसलिए तो आज आप सबका मुंह मीठा करने के लिए मिठाई लाया हूँ और शादी का न्योता भी। तेरी पहली तनख्वाह हो या आखिरी, शादी हो या बर्बादी, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। भागवंती कभी तो अकल से काम लिया कर। अजी ये तो मेरी ही अकल है जो इसकी सब चालबाजी को समझती हूँ। नौकरी और शादी का सुनाकर हमें जलाने आया है। मैं आपको क्यों जलाना चाहूंगा माँ जी? ये मुझसे नहीं अपने दिल से पूछ, जो इस घर से निकाल दिए जाने के बाद भी सामने वाले घर में वापस आया। अब मैं उस घर में नहीं रहूंगा माँ, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे चेंबूर में एक बंगला मिल गया है। अच्छा, नौकरी और शादी का सुनाकर हमें जला ना सका इसलिए बंगले का नाम लेकर जलाना चाहता है। देख, हमें ना तो तेरी किसी बात से खुशी है और ना रंज, तू निकल जा यहाँ से। भागवंती ऐसा ना कर, वो बेचारा बड़े शाव से आया है। ला, ला, ले तू भी मुंह मीठा कर, ले ले खा लड्डू। आने की जरूरत की तो वाह भगवान वाह, आज तो गालियां लड्डू दोनों की बारिश हो रही है। लगता है किसी नेक आदमी के घर में कदम पड़े हैं। अरे गोपाल तुम शंभू, तू क्या रहा है? दीदी अपन तो होगा के पास बोल के भेजता हम आता था, गाड़ी भेजने का क्या जरूरत था? तुम इस दफा नहीं आने वाले थे माइकल, तुम जानते हो जो शराब तुमने कल रात बेची वो जहरीली थी, 5 आदमी हॉस्पिटल में पड़े हैं। इंस्पेक्टर साहब ये तो सब दारू पीने वाला जानता है कि 4 रुपए का दारू का बाटली में दारू नहीं जहर होता है, और फिर भी पीता और हम पिलाता है। पीने वाला मरता है और पिलाने वाला जेल में जाता है। चलो चलता है, चलता है। अरे गोपाल इंस्पेक्टर, हम अपने दोस्त से 1 मिनट बात कर ले सकता है? गोपाल क्या रे, तू अपन के लिए फिक्र करता? अपन कहते दर रोज का धंधा गोपाल बाबू, कभी हम पुलिस के घर में कभी पुलिस हमारे घर में, क्या इंस्पेक्टर साहब? चलो चलो। अच्छा अच्छा गोपाल, अरे पीटर पाल हम 2 दिन बाद आता है, करा बाय 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 बाय। तो आज इतनी सुंदर लग रही है मीना कि माघवकर साहब के पूरे खानदान में ऐसी बहू बेटी नहीं होगी। लीला भाई मीना को लेकर जल्दी आओ, देखो सभी इंतजार कर रहे हैं। हो
आले आले। देख बेटी, मैं बाहर जाकर चार पांच आवाजें दूंगी, तब बाहर आना। और सुन, सर नीचा करके शर्मा करके बात करना, समझ गई ना? हो लीजिए ना गांवकर साहब। बहन जी आप भी तो थोड़ा सा खाइए। लो बेटे। बड़ी शर्मीली है हमारी लड़की, किसी के सामने आती ही नहीं। बहन जी आपने से क्या शर्माना, बुलाइए ना मीना बेटी को, लड़का लड़की को देख ले तो। हाँ हाँ आप भी बुलाती हूँ मीना। काय बेटी, इन्हें नमस्ते करो। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। क्या कर रहे बेटे, आराम से बैठो। शाबाश लड़का, हमारा भी शर्मिला है। फिर तो जोड़ी अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। मीना बेटी बैठो ना। ओ कहीं परवाह नहीं। कोई बात करो बेटी जी। हाँ हाँ कोई बात करो जी। मैं बात नहीं कर सकती ना, मैं बहुत शर्मीली हूँ ना। मान लिया आप बहुत शर्मीली हैं, लेकिन मेरा पाय छोड़ा। ओह आई एम सॉरी, मतलब माफ करा। हाँ मतलब माफ करा। जाओ चाय ले करो। चाय बाद में आएगी बाबा, पहले मैं माँ जी को एक बात सुना लूं। क्या हुआ माँ जी? आज सवेरे मैं बाजार गई, वहाँ मैंने एक गाय देखी, उसके सिंग इतने बड़े थे, इतने बड़े। चलो बेटा चले। भाई साहब चाय तो पीकर जाइए, चाय फिर कभी पी लेंगे। लेकिन लड़की देख लिया है, चिट्ठी लिख देंगे। चिट्ठी नहीं, तार दे देंगे। बाबा मुलगी चांगली है। मीना ये क्या हरकत किया तुमने? मैंने माँ से पहले ही कह दिया था, लेकिन फिर भी आपने जबरदस्ती उन लोगों को यहाँ बुला लिया। अब आप ही बताइए मैं क्या करती। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूँगा। एक बेटी अपने बाप के सामने जबान खोले ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये तभी हो सकता है जब बाप अपने बेटे के दिल की बात समझे। मैं विनती करती हूँ बाबा, बाप और बेटी के बीच इस मान और लाज का जो पर्दा पड़ा रहता है इसे मत हटाइए। और तुम्हें अपनी मनमानी कर लेने दूँ यही ना? मैं सिर्फ इतना कहूंगी, मैं गोपाल से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। कन्या के मांग में सिंदूर डालिए, जयंती मंगला काली वस्त्रकाली कुमारिणी दुर्गाक्षमाशीर्वादात्री स्वाहा सोदा नमस्ते। आज से आप दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हुए। मुबारक हो। मुबारक बरखुरदार, हमने कन्यादान तो कर दिया, लेकिन असली आशीर्वाद मीना भाभी के माता पिता से ले। आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। हम तो ये अपने घर में कमरा ना देना चाहते थे, और तुम अपनी होशियारी से सारे घर पर कब्जा करना चाहते हो। लेकिन बाबा मैंने तो पहले ही कहा था, अगर इस बदमाश ने कोई ऐसी हरकत की तो मैं इसे जान से मार डालूंगा, गोली छोड़ा दूंगा। क्या कर रहे हैं आप? हट जाओ मेरे रास्ते से लीला, मत रोको मुझे। क्यों नहीं, जिन हाथों से लोग अपनी बेटी को डोली में बिठाते हैं, सुहागन बनाकर उसे विदा करते हैं, उन्हीं हाथों से आप अपनी बेटी का सुहाग लूटना चाहते हैं, लीला विधवा बनाना चाहते हैं उसे। मीना से शादी करके गोपाल हमारी जात वाला न सही, लेकिन हमारे खानदान का जरूर बन गया है। ये हमारा दामाद है, हमारी इज्जत है,
हमारे सर का ताज है ये, और आप इस पे गोली चलाना चाहते हैं। चाचा जी गुस्सा छोड़िए और आशीर्वाद दीजिए दोनों को। आओ मेरे बच्चों। बाबा। वाह 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 अंकल, आप इन दोनों को आशीर्वाद और हम दोनों को काफी दीजिए, मेरा मतलब है माफी दीजिए, क्योंकि हमी ने आपकी कन्या का दान गोपाल को किया था। के मेरी आंखों में लहो जमा तुम, ऐसे ही सदा सज धज के मेरी आंखों में लहो जमा तुम। मैं छाया बनके साथ चलो, मैं छाया बनके साथ चलो, मुझे ले चलो जहां तुम। हमने जो देखे सपने सच हो गए वो अपने, हो मेरे साजना। हम जन्म जन्म के साथी हैं, पूजा है प्रीत हमारी। हम जन्म जन्म के साथी हैं, पूजा है प्रीत हमारी। इस जन्म भी तुमको पा ही लिया, इस जन्म भी तुमको पा ही लिया, मैं हो गई तुम्हारी। हमने जो देखे सपने सच हो गए वो अपने, हो मेरे साजना दिन आ गए हैं प्यार के, मेरे साजना दिन आ गए करार के। हमने जो देखे सपने सच हो गए वो अपने।
ले जा रहे हो मुझे? मंदिर में। अभी अभी कह रहे थे हमारी प्रीत ही हमारी पूजा है, फिर मंदिर क्यों? भगवान को अपनी प्रीत अपनी पूजा का साक्षी बनाने के लिए। आओ। ओह सॉरी। भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे, दूधों नहाओ पूतों फलो, बिटिया की गोद हरी करे, साथ साथ बच्चे खेले आंगन में। आजकल सात बच्चों का नहीं पंडित जी, दो या तीन बच्चों का आशीर्वाद दीजिए, महंगाई का जमाना है। अच्छा अच्छा। क्या कह रहे थे पुजारी से? वही जो हमें करना चाहिए, बच्चे दो या ज्यादा से ज्यादा तीन। जैसे कि ये तुम्हारे हाथ में है। क्यों नहीं, अपनी जिंदगी को अपनी फैमिली को प्लान करना खुद अपने हाथ में है। हम अपने बच्चे भरपूर जवानी में पैदा करेंगे ताकि उनको पालने पोसने उनको अच्छी तालीम दिलाने की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभा सके। लेकिन सुनो, हमारे तीन बच्चों में से दो लड़के होंगे और एक लड़की। जी नहीं, एक लड़का और दो लड़कियाँ। ऐसे क्यों? इसलिए कि लड़के शरारती होते हैं, संभालना मुश्किल पड़ता है। ओहो, लड़के शरारती होते हैं जैसे लड़कियाँ बेचारी गाय होती हैं। गाय होती है ये नहीं, मुझे दो लड़कियाँ चाहिए। अच्छा बाबा, तुम चाहो तो दो की बजाय तीनों लड़कियाँ पैदा कर लेना, लेकिन भगवान से मांगना अपनी जैसे। अब तुम अपना सामान अपना ताम जाम उठाओ, जाओ यहाँ से। अरे जाओ बाहर बैठो, से देखते रहो। गोपाल बाबू, अरे बशीर आना भाई आना। अरे भाई जाओ यहाँ से, वरना दादा ऐसा हैंडल घुमाएगा कि जबान गुंगी हो जाएगी, समझे? पंडित जी, डॉक्टर बाबू क्या बोलना मांगता है सुनो तो सही। अरे बशीर, तुम्हारे घर में अगर कोई बहू बेटी होती ना तो तुम भी ना सुनते जो डॉक्टर कह रहा है। हमारा घर में बहू बेटी नहीं हुआ तो क्या हुआ, इस मोहल्ले में जितना भी औरत है सब हमारा माँ बहन के बराबर है। डॉक्टर बाबू तुम्हारा भोला के वास्ते बोलता है, उसको सुनो तो सही। अच्छा भाई, अच्छा भाई डॉक्टर बोलो भाई, बोलो जो बोलना है जल्दी बोलो। बैठो भाई बैठो, बैठो भाई बैठो, बोलो डॉक्टर बाबू। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं वो हालत बयान करूंगा जो आजादी के 20 सालों में हर किस्म की तरक्की करने के बाद भी हमारे देश की है। इन 20 सालों में हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जिन्हें पहली बार खेती की गई, कई नए नए डैम्स बने, हलों की जगह ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया जाता है, अनाज की पैदावार हर साल पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद आज भी खाने के लिए अनाज बाहर के मुल्कों से मंगाना पड़ता है। हजारों नए अस्पताल खुले हैं लेकिन सभी मरीजों को अब भी अस्पतालों में जगह नहीं मिलती। कई नई नई फैक्ट्रियां खुली हैं, बड़े बड़ी मिलें खुली हैं, बड़े बड़े दफ्तर खुले हैं, लेकिन बेकारी पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही है। हजारों नए स्कूल खुलने के बाद भी आज भी हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कूलों में जगह नहीं मिलती। जानते हैं इसकी वजह क्या है? जी साहब आप खुद ही बता दीजिए इसकी वजह क्या है। इसकी वजह खुद हम लोग हैं। हम लोग? जी हाँ, हिंदुस्तान में हर 2 सेकंड के बाद एक बच्चा पैदा होता है। अंदाजा लगाइए, 1 मिनट के बाद 30 बच्चे, 1 घंटे के बाद 1,800 और 1 दिन में 43,200 बच्चे पैदा होते हैं। 43,200? जी हाँ, और 1 साल के बाद 1,50,00,000 बच्चे हिंदुस्तान में पैदा होते हैं। उनको खिलाना पिलाना, उनको अच्छी तालीम दिलाना, उनके लिए नए घर बनाना, उनके लिए नए अस्पताल बनाना ये हमारा फर्ज है। अब आप खुद ही सोचिए, क्या दुनिया का कोई भी मुल्क कितनी भी तरक्की कर लेने के बावजूद क्या इस काबिल बन सकता है कि हर साल 1,50,00,000 नए लोगों के लिए घर कपड़ा दूध वगैरह 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 का इंतजाम कर सके? अजी साहब आबादी तो हर देश की बढ़ती है, तो सभी की हालत खराब है। दुनिया के जितने भी खुशहाल और सुखी देश हैं उनमें से किसी की भी आबादी इतनी नहीं बढ़ती जितनी कि हमारे देश की बढ़ रही है। अगर हम चाहते हैं
कि हमारा देश भी सुखी हो तो हमें भी अपने परिवार को उतना ही बढ़ाना चाहिए जितना कि हम सुखी रख सकें। अगर हम चाहें तो दवाइयां, ऑपरेशन और दूसरे तरीकों से उन बच्चों को इन संसार में आने से रोक सकते हैं जिन्हें हम अच्छी तरह पालने की हिम्मत नहीं रखते। राम 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 राम। अजी डॉक्टर साहब, आप हमें धर्म के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? बच्चे तो भगवान की देन होते हैं। एक बात बताइए पंडित जी। पूछिए। धूप भगवान की देन है ना? हाँ। तो फिर उससे बचने के लिए आप छाते का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जिस तरह धूप भगवान की देन है और उससे बचने के लिए हम छाते का इस्तेमाल करना अधर्म नहीं समझते, उसी तरीके से बच्चों के बोझ से बचने के लिए अगर हम दवाइयां, ऑपरेशन और दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी कोई अधर्म या शर्म की बात नहीं है। जिन जिन परिवारों में 3 से ज्यादा बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि उनका परिवार और न बढ़े तो वो हमारी सहायता ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी नई नई शादी हुई है, मैं चाहता हूँ जब तक मेरी आमदनी न बढ़े तब तक मैं बच्चे पैदा न करूँ, इसका कोई तरीका है? क्यों नहीं सिस्टर। यस सर। इनका नाम लिखवा दो। आइए। हाँ तो भाइयों और बहनों, जो मैंने समझाना था समझा दिया। डॉक्टर बाबू, आप धन्य हैं, आपने हमारी आंखें खोल दी। मेरे 8 है, मुझे धर्म संकट से बचाइए, मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ। वेरी गुड। लेकिन ये क्या, आज तुम नहीं चल रहे मेरे साथ? क्यों? यू ही नो स्मोकिंग। ओहो, देना देना। नॉट दिस वन, मुझे ये नहीं अच्छी लगती। दूसरी वाली कहाँ है? नॉट ठीक। ये क्यों नहीं अच्छी लगती? नई वाली चाहिए ना। जाओ खुद ले ली। सुनिए सुनिए, इसे मत खोलिए। क्यों? इसमें आपकी टाई नहीं है। इसमें किसकी टाई है? किसी की नहीं पापा, लेकिन मत खोलिए ना। ओ फोमिना, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। कितनी बार कहा मैं, जब जब तक बताया क्यों नहीं? गिरने तो मैं, ये बताओ आप तक मुझसे छुपाते क्यों ना? ये आने वाला मेरा कुछ नहीं लगता। व्हाट? आने वाला नहीं, आने वाली कहिए। जी नहीं, पहली बार लड़का होगा, ये अच्छी तरह सोच लो, और उसके साथ साथ कोई अच्छा सा नाम भी। क्या सोचा है? बता तू। बुद्धूराम। धत्त रखी, ये भी कोई नाम है? अच्छा परशुराम। परशुराम, ये भी कोई नाम हो? अब भी सीरियस मीना, कोई ऐसा नाम सोचो। अच्छा, हम उसका नाम आपके दोस्त के नाम पे रखेंगे, सीताराम। सीताराम, वेरी गुड। अगर उसका नाम सीताराम रख दिया तो वो भी सीताराम की तरह गधा निकलेगा, गधा, समझी? क्या बात है कमला, मुझे बुला भेजा है, खुद नहीं आ सकती थी क्या? अब क्या हुआ? वही कमजोरी। अरे बैठो बाबा। ये क्या? एक और मुसीबत की निशानी, आज सुबह मेरे बाजू पर बांध गए हैं, उन्हें किसी साधु ने दिया है ये कहकर कि इसके बांधने से लड़का होगा। तो क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो कहां मानते हैं। हर साल हर साल। तू भाई साहब को समझाते क्यों नहीं? 100 बार समझाया है लेकिन उनके सर पर तो बेटे का भूत सवार है, चाहे उसमें तुम्हारी जान भी चली जाए। याद है छोटी बेबी के पैदा होने के बाद 3 महीने बिस्तर से नहीं उठ सकती थी तुम? मुझे तो ऐसा लगता है कि फिर कुछ गड़बड़ हो गई तो जिंदगी भर नहीं उठ सकूंगी। तो भाई साहब तुम्हारे समझाने पर भी नहीं समझे ना? किसी बात का असर नहीं होता उन पर। हो जाएगा। सीटे का हलवा कमला खाएगी, आएगा जलवा। अरे इधर से नहीं, उधर से, उधर से। इधर से नहीं, उधर से। क्या? अबे
सच बताओ कौन था वो? वो कौन? जिसे तुम कह रही थी, उधर से नहीं इधर से। मैं तो बच्चों के साथ बात कर रही हूँ। बच्चे? कहाँ है बच्चे? वो तो मैं आने वाले बच्चे के साथ बात कर रही थी। आप सुबह ये तावीज दे गए थे ना? तावीज तो मैं दे गया था, लेकिन वो दाढ़ी वाला कौन था? आप हमेशा बेटे के बारे में सोचते हैं ना, यूं ही ख्यालों में देख लिया होगा। मेरे ख्यालों में हमेशा लेटेस्ट पैदा हुआ बच्चा होता है, दाढ़ी वाला नहीं। सच बताओ कौन था वो? मैं सच कहती हूँ, मैंने किसी को नहीं देखा। तो फिर कौन था वो? कौन था वो दाढ़ी वाला? कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहा था? क्या कह रहा था? कह रहा था कि वो अक्सर इस घर में आता है। अक्सर आता है, लेकिन क्यों? क्योंकि आपकी पांच लड़कियों में से एक लड़की उसकी। लड़की उसकी है? उसकी है? हे भगवान। रमा, रेणु, प्रतिमा, मोनिका, गीता, इन पांचों में से कौन सी लड़की मेरी नहीं? इस बेवफा कमला ने ये क्या किया? क्या किया? नहीं नहीं, सभी मेरी है। तो फिर दाढ़ी वाले की कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? जाएंगे जी। अरे ये तो भला हो इस कन्या का कि इसने जाकर मेरे जज्बात को सुला दिया, मेरा धर्म भ्रष्ट होने से बचा दिया, वरना आज मेरी सौगंध टूट जाती। कौन सी सौगंध? अरे दूर हट, नीच, उल्टा बेवफा, मैंने कसम खाई है कि आज से मैं तेरे जिस्म को छूऊंगा नहीं, मैं तेरे साथ बोलूंगा नहीं। ओ, मेरा तकिया। सर पर मत सोइए, लेकिन ये कंबल तो ले लीजिए। ओहो, कंबल ले लीजिए, बेवफा तुम, उल्टा तुम, जमीन पर सोऊं मैं और बिस्तर पर तुम। चलो नीचे आओ। जैसे आपकी आज्ञा। अरे आज्ञा की बच्चे नखरे दिखा रही है, चलो नीचे जाओ, नीचे जाओ। अरे अब आई विल नॉट टॉलरेट। भागवंती, आज ना मुझे रोकना, बस एक बार बच्चे का मुंह देखने थे। बच्चे का मुंह देखने का इतना शौक है तो कुछ महीना और इंतजार करो, अपने बच्चे का मुंह देख लेना। लेकिन भागवंती, वो भी तो अपनी ही औलाद है, उसकी खुशी का भी तो कुछ ख्याल होना चाहिए। उसकी खुशी का ख्याल है और घर में जो क्लेश पड़ा है उसका कोई ख्याल नहीं। कल से लड़की चिल्ला रही है, उसे कॉलेज के लड़के लड़कियों के साथ दिल्ली जाना है, 300 रुपए की जरूरत है, उसका इंतजाम किया? मैंने उसे कल ही कह दिया था कि अब मुझसे और कर्जा नहीं उठाया जाता, और फिर मुझे कुछ देता भी नहीं है। इसमें कर्जा लेने की क्या जरूरत है? कमला के पिताजी उतनी तनख्वाह पाते हैं जितने की आप, फिर वो कमला को कैसे भेज रहे हैं? हो सकता है कि उसके यहाँ एक ही कमला हो, मेरे यहाँ तो साथ है। अगर साथ पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों किए? सपना करमचंद, ये क्या कर रहे हो? बच्चों के मुंह से उल्टी सीधी बात निकल ही जाती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उन पर हाथ उठाया जाए। दीवान चंद, तुम नहीं जानते मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने सब कुछ सुन लिया है, मैं सपना को अपने खर्च पर दिल्ली भेजूंगा। अपने खर्च पर दिल्ली भेजोगे? तो यही तो खेलने कूदने के दिन है इसके। सपना जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे मेरी भी कुछ लगती है। हेलो गोपाल। हेलो हेलो, क्या हाल है? नमस्ते भाभी। हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाभी नहीं आई? मेरी बीवी पीछे आ रही है। तो मैं बाकी जिले भी लोग आए। अच्छा,
हेलो बर्थडे गुस्सा नहीं गोपाल ऐसी बात नहीं उनकी तबीयत ठीक है क्या हुआ आओ बेटा आओ आई बैठना बैठे ना मुबारक हो मानदे आओ मामा आओ हे लायक देखा मामा खिलौना लाया तुम्हारा पाल अरे तुम्हारी ये हालत कैसे माइकल को 7 वर्ष की सजा हो गई है भांजी क्या मालिक मकानी ने घर से बाहर निकाल दिया बेचारे मारे मारे घूम रहे थे और भांजी जिंदगी में एक काम हमसे भी अच्छा होना था सो इन्हें यहाँ ले आया अंकल आप हमें नहीं रखना चाहते हो हम चले जाते नहीं बच्चों नहीं तुम यहीं रहोगे मेरे कपड़े पहनोगे आपके कपड़े मेरा मतलब है कि आज सभी बच्चे एक से एक बढ़के नमूना बने हुए हैं इनका भी इंतजाम हो जाएगा बहुरानी यू डोंट वरी मैं इनका इंतजाम करता हूँ आओ हाय गोपाल हेलो हरीश हेलो हेलो मुन्ना ए देखो आंटी आई है देखो भाभी अब मैं और मीना दोनों बाल बच्चे वाले हो गए अगर हमसे दोस्ती बढ़ानी है तो हमारे छोटे से मुन्ने के लिए छोटे से दोस्त का बंदोबस्त करना होगा ये जन्म में मुश्किल है क्यों बात यह है मीना कि हम दोनों की तनख्वाह मिलाकर भी इतनी नहीं होती कि फैमिली का बोझ अच्छी तरह उठा सके इसलिए हमने फैसला किया है कि नो चिल्ड्रन हिंदुस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी तुमसे भी कम होगी अगर वो सब ये फैसला कर लें तो आज से 20 साल बाद हिंदुस्तान की क्या हालत होगी जानते हो एक जवान भी नहीं रहेगा पूरे देश में इसलिए बच्चे होने जरूरी है लेकिन कम आज कौन सा दिन है हमारे मुन्ने का जन्मदिन 2 अक्टूबर है आज दो
क्या सोच रहे हो? सोच रहा था पीटर और पॉल क्या होगा। उन बेचारों का कोई नहीं, क्यों ना हम उन्हें अपने पास रख ले। जी तो मेरा भी यही चाहता है, लेकिन उन जैसे लाखों करोड़ों होंगे जिनका अपना कोई नहीं होता। सबके लिए कोई एक तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपने आसपास जो दुखी हैं, अगर उन्हें संभाल लिया जाए तो दुनिया का काफी दुख कम हो सकता है। तुम ठीक कह रही हो मेरी मिन्नी, लेकिन जानती हो दो बच्चों को अच्छी तरह पालने का खर्च कितना होता है? हम आया रखने वाले थे ना, नहीं रखेंगे। हाँ ये ठीक है, और आया की बजाय पीटर और पॉल तुम्हारे घर के काम काज में मदद कर दिया करेंगे। वाह, उन बेचारों से घर का काम कराते अच्छा लगेगा। अरे इसमें बुरा लगने की क्या बात है, अगर हमारे अपने इतने बड़े होते तो क्या वो छोटे मोटे काम काज में तुम्हारी मदद न करते? तो बस इन्हें भी अपना ही समझो, दिन में तुम्हारी मदद कर दिया करेंगे, शाम को स्कूल चले जाएंगे और वो और मेरी मुन्नी को भी खिलाएंगे। हाँ तुम्हारी मुन्नी, अरे अरे मेरी मुन्नी, कब से? एक दो तीन। जानते हो हुँ? मुझे पूरा विश्वास है इस बार लड़की होगी। कौन सी लड़की? जी सभी। क्या मतलब? सभी आप ही के हैं। मैं आज खुद ही पूछ लेता हूँ, तुम किसी बेटी हो? दादी की। और तुम? आपकी। तुम किसी बेटी हो? मैं समझ गया तू क्यों नहीं बोलती। अरे बोल भगवान बोल, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है? अरे बोल बोल। अरे बोल ना। मैं नहीं बोलती, डैडी पागल है। क्या जानते, फिर भी पूछते मैं किसकी लड़की हूँ? तो तुम भी मेरी बेटी हो। और तुम? डैडी की। और तुम? इसने अभी बोलना नहीं सीखा है, सीखेगी तो बता देगी कि आपकी बेटी है। सीखेगी और सिखाओगी तुम। कमला तुम्हें जितना छल कपट मुझसे करना है कर लो, लेकिन मैं तुम्हें बताया देता हूँ कि एक दिन तुम्हें ऊपर जाकर सबका हिसाब किताब देना होगा। अब आप ही बताइए किस तरह बचेगा 200 रुपए महीना? राशन 150 रुपया, दूध 200 रुपया, फल और सब्जी 150 रुपया, आपकी इंश्योरेंस 200 रुपया, बच्चों की इंश्योरेंस। मैं सोचती हूँ बच्चों की इंश्योरेंस ना भी कराई जाए तो क्या फर्क पड़ता है, जब तक इनकी पढ़ाई वगैरह का खर्च शुरू होगा तब तक तो आपकी आमदनी भी बढ़ चुकी होगी। नहीं मीना, कल की फिक्र हमें आज ही कर लेनी चाहिए। अब देखो ना, माइकल ने अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचा और वो बेचारे साल भर दर दर की ठोकरे खाते रहे, और अगर शंभू ने यहाँ न ले आता तो वो बेचारे भूख से तंग आकर या तो भिखारी बन चुके होते या चोर लो चुके। अब तुम ही बताओ बच्चों की इंश्योरेंस करनी चाहिए या नहीं? अच्छा बाबा, बच्चों की इंश्योरेंस करना जरूरी है, पर अब तो कार के इंस्टॉलमेंट भी शुरू हो जाएंगे। अब तुम ही बताओ कौन सा खर्च करते हो? बताऊं? आप महीने में 2 साड़ियां खरीदती हैं, है ना? आप 2 महीने में 1 ही खरीदी है। आप महीने में 4 पिक्चरें देखती हैं, बल्कि 6 ही देखती होंगी। आप महीने में 2 ही देखिए। बस बस, आपको तो मेरे खर्चे दिखाई देते हैं। खैर आप कहते हैं तो 2 ही देखा करूंगी। थैंक यू। और वो? और क्या, अब आप ही बताइए, हमारे 2 हैं और हम इतने परेशान हैं, जिनके 6 जी और 7 साथ होते होंगे उनका क्या हाल होता होगा? उनका क्या हाल होना है, बेचारे जीते हैं तो रो रो के और मरते हैं तो बुरे हाल में। वाह वाह वाह, मेरे भी 6 साथ हैं। तुम क्या समझता है कि मैं रो रो के जीता हूँ या बुरे हाल में मरूंगा? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। जानते हो जीते रहो, जीते रहो बेटी, सदा स्वागत रहो। मैं बैठूंगा नहीं बेटे, मैं अपने लाल को बाल देखने आया। दोनों कितने सुंदर हैं। अरे गोपाल, ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे बचपन में तू था। मगर बाबूजी, मीना के पिताजी तो ये कह रहे थे कि ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे मीना बचपन में थी। हाँ तो वो भी तो ठीक ही कहते हैं। देखो बेटा, इन शैतान के बच्चों को खिलौने ले देना मेरी तरफ से। ले ना बेटा ले। रहने दीजिए बाबूजी, इसकी क्या जरूरत है? अरे ये तुझे नहीं दे रहा, अपने पोतों के लिए दे रहा हूँ। लो बेटा लो। ले लो। बाबू, जो गोपाल की माँ का है
मरते वक्त उसने कहा था कि जब घर में बहू आए तो उसे पहना देना, मगर तुम तो जानती हो कि मैं यहां क्यों ना आ सका। कल रात गोपाल की मां मेरे सपने में आई और कहने लगी, बहू को आशीर्वाद दिया, हार पहना दिया। मैंने झूठ कह दिया बहू, मैंने कहा हां पहना दिया। ले बेटा अपनी अमानत रख और इसे पहन लेना ताकि मरने वाले की आत्मा को शांति मिल जाए। दिखो बेटा सुखी रहो। लेकिन मेरा निशाना नहीं चुकेगा। लाइए 5 रुपए। 5 रुपए तुमसे अच्छे हैं क्या? ये ले 10 रुपए, 5 इस हाथ के, 5 अगली हाथ। चुप हो जा, मैं कहती हूँ चुप हो जा। मुन्नी ले संभाल इसे, ये चुप नहीं होती। जब आपसे चुप नहीं होती मम्मी तो मैं कैसे चुप करूँ? देख बातें ना बना, ले इसे, हम तो खेलने रहते हैं। आओ कुडप्पू बिना, जाओ मरो। मम्मी प्लीज। ओह भगवान कितने हो गए हैं कि संभाले नहीं जाते। अरे बाबा भगवान के लिए चुप हो जा, चुप हो जा मैं कहती हूँ, चुप चुप हो जा। और एक बात यार, करमचंद आ गया, तुम उसके सामने अपने बर्थडे की बात करना, बाकी मैं संभाल लूंगा। अरे दीवानचंद तुम कब आए? बस अभी अभी आया, 3.5 घंटे से चिपका हुआ है। डैडी डैडी कल मेरा बर्थडे है, मम्मी कहती हम नहीं मना सकते। अरे कैसे नहीं मना सकते, आज मैं तनख्वाह आया हूँ, जितने पैसे तुम्हें चाहिए ले ले। घर का खर्चा तो पूरा नहीं होता है, चले हैं बर्थडे मनाने। तो क्या हुआ दीदी, बर्थडे तो साल में एक ही बार मनाया जाता है। तू चुप कर। क्यों जी, 100 का और एक नोट कहाँ है? मैं क्या कर रही हूँ, मैं पूछती हूँ और एक नोट कहाँ है? करमचंद बता क्यों नहीं देते, तुमने वो पैसे मुझे दिए हैं। आपको? हाँ भाभी, करमचंद ने जो मुझसे कर्ज लिया था ना, अब 100 रुपए महीना देकर मुझे उतार रहा है, आज पहली किस्त थी। आपको तो हर की किस्त मिल गई, लेकिन मेरे बर्थडे का क्या होगा? वो भी धूमधाम से मनाएगा। लेकिन वो लेकिन लेकिन क्या है, आप तो कर्ज उतार ही देते हैं ना। चलो अच्छा होगा, कल दोनों घरों में धूमधाम होगी। अरे दूसरा घर कौन सा? दीदी इस घर में आपकी बेटी का जन्मदिन मनाया जाएगा और उस घर में जीजा जी के बेटे को कार मिलेगी। कार? सभी पी जाओगी, थोड़ा सा मेरे लिए भी रहने दो। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कॉलेज से चली आ रही थी कि भैया जबरदस्ती घसीट के मुझे यहाँ ले आया। क्या
मैं तुझे जबरदस्ती कॉलेज से घसीट चला है? झूठ मत बोलो सपना। मैं झूठ बोलने लगी माँ, झूठ तो ये दोनों बोल रहे हैं। माँ जी, इस घर की इज्जत हमारी इज्जत है, इसलिए सपना को आज बाबूजी के एक दोस्त के साथ विक्रम से यहाँ ले आए। मैं जानती हूँ बेटी, खुद घर से भागने वाली अब हमारी इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालेगी तो और क्या करेगी। बेशरम पे है, निकल जाए यहाँ से। माँ, ले जा अपनी रखेल को यहाँ से। माँ जी, मैं इनकी रखेल नहीं हूँ, पत्नी हूँ इनकी और इस परिवार की। चलो मीना। मीना, मुन्नी भैया। अरे मुन्नी, क्या बात है? हाँ? टीचर ने क्लास से निकाल दिया। क्लास से निकाल दिया? हाँ। लेकिन क्यों? मम्मी ने 3 महीने से फीस नहीं दी थी। 3 महीने से फीस नहीं थी? हाँ। चलिए हम इनकी फीस भरते हैं। देखो बच्चों, माँ जी और बाबूजी को इस बात का पता न चले। चलिए। कौन हो तुम? कौन हो तुम? यही तो मैं आपसे पूछने आया हूँ कि कौन हो तुम? सर, डॉक्टर साहब, ये हमारा बॉस मिस्टर सीताराम है। पिछला 3-4 महीना से बहुत परेशान है। क्या परेशानी है? ये तो अपन को मालूम नहीं। अच्छा, आप अंदर आइए। आइए, आइए। नर्स, इन्हें लेटाओ। कोट उतारो। ओह, थैंक यू। लेटो। लेटो? हम नहीं, मैं, तुम लेटो। ओ, अब याद करने की कोशिश करो, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें क्या तकलीफ है? हमें नहीं, तुम्हें क्या तकलीफ है? याद करने की कोशिश करो और अपने बीते हुए दिनों में वापस जाओ। बीते हुए दिनों में वापस जाओ, अपने बीते जमाने में वापस जाओ। बीते हुए दिनों में वापस जाओ, अपने गुजरे जमाने में वापस जाओ। बीते जमाने में वापस जाओ, गुजरे जमाने में वापस जाओ। बचपन के जमाने में वापस जाओ, बचपन के जमाने में वापस जाओ। बीते जमाने में वापस जाओ, गुजरे जमाने में वापस जाओ। बीते हुए दिनों में वापस जाओ। इतना पीछे मत जाओ, थोड़ा आगे आओ। अपनी रंगीन जवानी के जमाने में वापस आओ। अपनी रंगीन जवानी के जमाने में वापस आओ। उठो और याद करो, जब तुम जवान थे तो क्या हुआ? मैं जब जवान हुआ तो हर जवान आदमी की तरह मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। मैं और कमला हर रोज दिल्ली की गलियों में खुल्लम खुल्ला मिलते, कभी कहीं, कभी कहीं और कभी कहीं। लंदन पेरिस घूम के देखे दिल भर एक से एक, लंदन पेरिस घूम के देखे दिल भर एक से एक। दिल वालों की दिल्ली में मेरे दिल को लगी है ब्रेक, हुआ दिल दिल्ली वाली का, हुआ दिल दिल्ली वाली का। मुखड़े पे तेरे ऐ दिल पर लाल किले की लाली है, मुखड़े पे तेरे चाल तेरी मतवाली है, यूं चाल
तेरी मतवाली है, चांदनी चौक की चांदनी है तू, दिल भी है तेरा नेक। दिलवालों की दिल्ली में मेरे दिल को लगी है ब्रेक, हुआ दिल दिल्ली वाली का, हुआ दिल दिल्ली वाली का। सॉरी, फिर क्या हुआ? ये गीत खत्म होते ही शादी का सुंदर संगीत शुरू हुआ और 5 साल में 5 सुंदर कन्याएं भगवान की कृपा से हमारे घर में पधारी। फिर क्या हुआ? दाढ़ी वाला मैं? तुम नहीं, मेरी बीवी कमला जो बेवफा निकली। बेवफा निकली तो उसे छोड़ दो। छोड़ दूं? I love her. अगर छोड़ नहीं सकते तो उसका गम भुलाकर अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। मुस्कुराओ, हंसो। ऐसे नहीं। हमारा मतलब है दिल लगाने की कोशिश करो। दिल लगाने की कोशिश करो। ओके जी, हम आपका हस्बैंड का सेक्रेटरी है मैम साहब। वो हमको आंख वांख तो 2-4 साल से मारता था, लेकिन कुछ महीना से छेड़छाड़ भी चालू किया था, और आज हमारा हाथ में नॉवेल्टी सिनेमा का टिकट दे दिया। बोला हमारे साथ में सिनेमा देखो और बाद में डिनर भी करो। मेम साहब, हम बहुत गरीब आदमी है, अगर हम ऑफिस में कंप्लेंट करेगा तो हमारा नौकरी जाता है। प्लीज हमारा इज्जत सेव करो और अपना हस्बैंड को समझा दो, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम कहाँ जा रही हो? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग पे जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊँगा? मैं भी महिला समाज के सम्मेलन में जा रही हूँ, मुझे रास्ते में उतार दीजिएगा। तुम्हें रास्ते में उतारने या रास्ते पर लाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हें जाना हो तो BEST के डबल डेकर बस में जाओ। बस में क्यों, मैं तो टैक्सी में जाऊंगी। तुम टैक्सी में जाओ या टट्टू पे जाओ, लेकिन मेरा मूड खराब मत करो। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज पिया मिलन को जाना। पिया, अरे चली गई। पिया मिलन को जाना, नमस्ते बहन जी, पिया मिलन को जाना। ला 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 ला। जरा माफ कीजिएगा भाई साहब, बहन जी, एक्सक्यूज मी, थैंक यू। पिया मिलन को जाना। ओह गॉश, आई एम लेट।
ओह मर गए। माय सेक्रेटरी वाज वेटिंग फॉर मी। हेलो डार्लिंग, ओ कम ऑन नाउ, नाराज हो गई हो क्योंकि मैं देर से आया? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं किस मुसीबत से आया हूं। वो मेरी बेवफा बीवी है ना कमला, आते हुए मेरे पीछे पड़ गई, कहने लगी लिफ्ट दे दो और मैं टाल के आ गया। अच्छा हो गया, अब जल्दी धूप में बस के क्यू में सड़ रही होगी। हे मिस्टर, सी द पिक्चर। नाइस पिक्चर डार्लिंग, अब मजा आएगा जब वो मुझसे जलेगी। आज मैं तुम्हारे साथ, कल तुम्हारी बहन के साथ, परसों उसकी बहन के साथ। ओह इंटरवल। हाय गोपाल। ओह हेलो। अरे गिची गिची गिची, आखिर आप लोगों ने मेरी बात मानी ली। हाँ देखो कितनी प्यारी बेबी हुई है। हाँ भाभी बहुत प्यारी है। अब क्या मेरे यहाँ भी लड़की होगी? क्या ऊपर वाले लिख कर भेजा था क्या? नहीं यार, इट्स माय लास्ट चांस एंड माय वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। बेस्ट ऑफ लक, मीना को मेरी नमस्ते कहना। अच्छा अच्छा, अले अले अले, कितनी प्यारी बच्ची है। डॉक्टर गोपाल, लड़की हुई? यस डॉक्टर, यू आर वेरी लकी। ओ नर्स, अब मेरा परिवार पूरा हुआ। कैन यू सी माय वाइफ? यस। भाई गॉड, बड़ी देर लगा दी इस कन्या ने, लेकिन है ये बिल्कुल तुम्हारे जैसी, और सोती भी है तुम्हारे जैसी। हाँ तो मीना, इस पे दस्तखत कर दो। क्या है? ऑपरेशन पेपर। अब हमारे तीन बच्चे हो गए हैं, इसलिए अच्छा है ऑपरेशन करवा लें। लो। आपकी मिसेज की तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी बच्ची की तबीयत रात भर खराब रही है। क्या हुआ डॉक्टर? घबराने की कोई बात नहीं, आप अपने मिसेज के रूम में चलिए, मैं आपकी बच्ची को लेके आता हूँ। अच्छा डॉक्टर, चलो मुन्ने, चल बेटा। हाय देयर। हाय। चलो चलो मम्मी के पास, चलो चले चलो चोर मवाली कहीं। हमको भी चाहिए। ए क्या कर रहे हैं आप बच्चों के सामने? जाइए देखिए, मुन्नी को सुबह से एक बार भी मेरे पास। अरे भाई डॉक्टर साहब उसे खुद लेकर आ रहे हैं। जाइए ना। अच्छा बाबा, क्या करना है? डॉक्टर गोपाल, जस्ट ए मोमेंट प्लीज। क्या बात है डॉक्टर, मुन्नी को नहीं लाए? मेरे साथ आइए। क्या बात है डॉक्टर? मुन्नी को डिप्थेरिया हो गया था। व्हाट? विद आवर बेस्ट एफर्ट्स हम उसे बचा ना सके। डॉक्टर साहब, आई एम वेरी सॉरी डॉक्टर साहब, प्लीज सब्र कीजिए। डॉक्टर साहब, माय गॉड, मीना, मीना, डॉक्टर, नर्स, ओह फॉर, भैया बेबी के मौत के बाद मीना बिल्कुल खामोश और गुमसुम है। मुझे तो डर है गोपाल भैया कि उसका ये गम और खामोशी उसे पागल ही न बना दे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाभी, मैं उसे रुलाऊंगा, मैं उसे इतना रुलाऊंगा कि उसका गम उसके आंसू में बह जाएगा। हाँ कुछ कीजिए, मैं बच्चों को खाना खिला देती हूँ।
मीना, कब तक अपने गम को अपने दिल में छुपा अपने आप को जलाती रहूंगी? मीना रो मीना, तुम्हारी गुड़िया जैसी बच्ची इस संसार से चली गई, अब वो वापस कभी लौट कर नहीं आएगी, अब वो तुम्हें कभी मां का घर नहीं पुकारेगी। किसको दुल्हन बनाने के सपने देखोगे, किसके हाथ में मेहंदी रचाओगे? तुम कितनी बदनसीब। मैं जानती हूं, जानती हूं मैं बदनसीब हूं, और अब मेरी गोद कभी ना भरेगी। जिंदगी भर तड़पती रहूंगी मैं अपनी बच्ची के लिए, लेकिन ये कहकर मुझे दुखी मत करो, मत करो मुझे दुखी। मीना, मैं तुम्हारा दुख बढ़ाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी गोद फिर से हरी हो सकती है। जो ऑपरेशन मैंने कराया था वो रिवर्सिबल है, अगर तुम चाहो तो दोबारा ऑपरेशन करा के हम अपने परिवार को फिर से बढ़ा सकते हैं। दोबारा ऑपरेशन हमें परिवार बढ़ाने का विश्वास जरूर दिला सकता है, लेकिन इस बात का तो नहीं कि हमारे यहाँ बेटी होगी, बेटा भी तो हो सकता है। तो क्या तुम? नहीं, मैं नहीं चाहती कि एक बेटी के लिए मैं भी सीताराम भैया की तरह परिवार बढ़ाती जाऊं और तुम्हारे उसूलों को ठेस पहुंचे। मीना, ये फैसला तो कर लिया, लेकिन क्या तुम खुश रह सकोगी? खुशी अगर भगवान को मंजूर होती तो वो हम पर इतना अन्याय ही क्यों करता? रोशनी की एक किरण दिखाकर हम के अंधेरों में क्यों धकेल देता? क्यों छीन लेता हमारी फूल जैसी बच्ची को? क्यों छीन लेता? मीना धीरे रखो, और देखो आइसक्रीम आइसक्रीम नहीं खाना, और डैडी को बाय बाय नहीं किया। बाय बाय डैडी। पीटर ओपाल, मेरी मुन्नी को भी साथ स्कूल में ले जाओ, और देखो जरा इसका ख्याल रखना। जाओ बेटी जाओ। मीना, मीना आओ मेरे साथ। बैठो। मीना, क्यों ना हम एक लड़की गोद ले लें? जिस भगवान ने तुमसे तुम्हारी बच्ची को छीन लिया है, वो कई बच्चों से माँ की गोद भी छीन लिया करता है, और हो सकता है जिस तरह तुम्हारे दिल में एक बच्ची की तड़प है, उसी तरह कोई बच्ची एक माँ की गोद के लिए भी तड़प रही होगी। जैसे जन्म नहीं दिया उसकी माँ कैसे बन सकती हूँ मैं? माँ सिर्फ जन्म देने से ही माँ नहीं बनती, माँ का प्यार देने से बनती है। अब तुम खुद ही देखो, क्या तुम पीटर और पॉल को तैयार करके स्कूल नहीं भेजती? उनको अपने बच्चों की तरह कपड़े सिलवा कर नहीं देती? अगर उनकी तबीयत जरा खराब हो जाए तो क्या रात रात भर जाकर नहीं गुजार देती? जरा सोचो, अगर वो तुम्हें आंटी के बजाय मम्मी कहकर पुकारे तो क्या कोई ये कह सकता है कि वो तुम्हारे अपने बच्चे नहीं है? मेरा भी एक सपना था मीना, कि हमारे दो लड़के होंगे और एक लड़की। क्यों ना हम उस सपने को पूरा कर लें मीना, एक लड़की गोद ले लें। पीटर और पॉल, दोनों बच्चों को बाहर ले जाओ। जाओ बच्चों, जाओ जाओ बाहर। शाबाश। अच्छा, ये नहीं खुली, ये फूलेगी। क्या कर रहे हैं आप? पूरियां ऐसे बनाते हैं क्या? आई एम सॉरी, ये आइंदा संभाल के बनाऊंगा। ये लेकिन एक बात का पता चला। क्या?
आपको राम भरोसे होटल में बावर्ची की नौकरी मिल जाएगी। क्या कहा? बावर्ची की? भांजे, प्यारे भांजे, जरा बाहर तो आओ। आ गए मामा। जाइए, अभी आता हूँ। सुनिए सुनिए, इसकी जरूरत पड़ेगी, जाइए। बाप रे, अरे तुम? तुम नहीं, आपको। मैं तुम्हारी होने वाली मामी हूँ। अजी सुनते हो? अरे मीना देखो, मामा के साथ मामी भी आई है। ये रे, आशीर्वाद दो भांजे, हम दोनों ने रोमांस करने का फैसला कर लिया है। रोमांस के लिए आशीर्वाद की क्या जरूरत है मामा? तुम आशीर्वाद देकर खुश हो लो, जरूरत मैं बाद में बता देता हूँ। वो बता दिया तुमने, लेकिन मामा ये जरा आना जाना थोड़ा कम कर दो। क्या बताऊँ भांजे, मैं तो इस बार भी नहीं आता। सीताराम के घर गया था, वहाँ पर मियाँ बीवी में महाभारत का युद्ध छिड़ा हुआ था। तलाक तक बात आन पहुँची है, उनकी शादीशुदा मोहब्बत में कोई दाढ़ी वाला आन पहुँचा है। ये कौन? पता नहीं कोई। नहीं आऊंगा इस घर में, कभी नहीं आऊंगा। बुलाओगी तो भी नहीं, नहीं बुलाओगी तो भी नहीं। रोगी चिल्लाओगी चीखोगी तो भी नहीं। ओहो, मैं यहाँ गुस्से से आग बबूला हो रहा हूँ और तुम मुस्कुरा रही हो। इतना भी ख्याल नहीं कि मैं इस घर में आखिरी बार भोग रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तुम ये समझ लेना कि तुम्हारे बच्चे विधवा हो गए और तुम यतीम। क्या कह रहे हैं आप? मेरा मतलब है कि तुम्हारे बच्चे यतीम हो गए और तुम विधवा। ये ठीक है। ठीक है, निर्लज कहीं की। आप जा तो रहे हैं, साथ में ये टूथब्रश और पेस्ट भी लेते जाइएगा, क्योंकि सुबह सुबह आपके मुंह से बहुत बदबू आती है। मेरा टूथब्रश वहीं रख दो, अपना ले आओ। जी ये बताओ उल्टा कौन है? तो कोई नहीं, लेकिन आप कहते हैं मैं। बेवफा कौन? कोई नहीं, लेकिन आप कहते हैं मैं। ये घर किसका है? है तो किसी का नहीं, लेकिन। क्या कहा? मेरा मतलब है आपका आपका। बेवफा तुम, उल्टा तुम। घर मेरा और मैं ही घर छोड़ूं? कमला, इस घर में रहूंगा मैं और जाओगी तुम। यही आपकी आज्ञा है तो मैं ही चली जाती हूँ। और सुनो, एक मेहरबानी और करो मुझ पर, जो लड़की मेरी नहीं है उसे भी अपने साथ लेती जाओ। जी उसे ही क्यों, सबको ले जाएगी। मैं सबको पाल लूंगा, मैं सबको संभाल लूंगा। हाँ हाँ संभाल लेना। वो दाढ़ी वाला तुम, तेरी तो मैं। मीना तुम? जी हाँ। लेकिन ये सब आपने मेरी सहेली की जिंदगी खराब कर रखी थी। दिन ब दिन बेचारी की सेहत गिरती जा रही थी और आप समझाने पर भी नहीं समझ रहे थे, इसलिए हमें ये नाटक करना पड़ा। इस नाटक ने कुछ देर के लिए कमला भाभी को तकलीफ से तो जरूर बचा लिया, लेकिन जानती हो ये नाटक इस पूरे घर को तबाह कर सकता था। लेकिन सीताराम भैया तो? वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा दोस्त गधा है। मेरा मतलब भोला है, बुद्धू है, जल्दी से रूठ जाता है, जल्दी से मान जाता है। लेकिन अगर न मानता तो? कैसे नहीं मानता, डोंट यू नो आई लव हर, हमारा प्यार अमर है। दाढ़ी वाला? हाँ, दाढ़ी वाला हो या गाड़ी वाला कोई परवाह नहीं, मैं सब जानता हूँ दाढ़ी वाला कौन है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हमने ये नाटक क्यों रचा? अरे कहना क्यों नहीं मानते, मेरे साथ फैमिली प्लानिंग सेंटर चलो और भाभी का ऑपरेशन कराओ। और लड़का? देखो भाई, हमें एक लड़की चाहिए और तुम्हें एक लड़का, क्यों ना हम एक दूसरे के काम आ जाएं। लेकिन मैं तो दोनों लड़के लूंगा। दोनों? लेकिन हमारे तो दो ही हैं। आपके लड़के कौन मांगता है, हम तो माइकल के दोनों लड़के गोद में लेंगे। Does it suit you? माइकल? ये छोकरा लोग को तुम अपना गोद लिया हुआ छोकरा मत जाना, इनको अपना बच्चा समझना। माइकल फिक्र मत करो, हम जो अपने लाइफ में इनके लिए नहीं कर सका वो तुम। डोंट वरी,
ये बच्चे अब हमारे बच्चे हैं। आप इनकी चिंता मत कीजिए। चुप चुप। बीना भाभी, आप जानती हैं हमने सबसे छोटी लड़की आपको क्यों दी है? क्योंकि इसने अब तक मुझे डैडी नहीं कहा। अरे ये तुम्हारी होती तो तुम्हें डैडी कहती। क्यों डैडी नहीं तो और किसकी है? दाढ़ी वाले की। दाढ़ी वाले की? नॉट अगेन, नॉट अगेन, नॉट अगेन। अब मेरा मन नहीं बना। मैं आप लोगों की कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। कब चुका दोगे? 5 महीने से किराया नहीं मिला करमचंद। आखिर तुम ये बड़ा मकान छोड़कर किसी खोली में क्यों नहीं चले जाते? अरे बाबू, जब हमार पैसा नहीं दे सका था तो बच्चन का दूध काहे पियावत हो? बच्चों की वर्दियां सिलाने के लिए आपकी बीवी 2 महीने पहले हमारी दुकान से 2 थान कपड़ा लाई थी, लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। असल की बात तो नकल होकर रह गई है, लेकिन अब तो सूद वसूल करना ही मुश्किल है। दिया तुमसे मेरी हालत पर रहम खाओ, कुछ दिन और ठहर जाओ बस। कुछ दिनों के बाद तुम्हारी लॉटरी निकलने वाली है करमचंद। कान खोल कर सुन लो, कल हम सब फिर आएंगे, कोर्ट के कागज और पुलिस साथ लेकर आएंगे। अगर कल हमारे पैसे चुका दिए तो ठीक, वरना तुम्हें मकान के बाहर फिकवा देंगे, समझे? चलो जी आओ। सब कुछ बेच डालूंगा, घड़ी अंगूठी सब बेच डालूंगा। लेकिन ये सब बेचकर तो दूध वाले का बिल भी नहीं चुकेगा। अगर भागवंती, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इन लोगों के बिल तो देने ही हैं। ऊपर से मेरी भांजी सरला की शादी निकल आई है, वहाँ जाने के लिए मुझे 10-1200 रुपए की जरूरत पड़ेगी। 10-1200? अजी, पहली शादी है मेरी बहन के यहाँ, रिश्तेदारी में अभी से कुछ लेन देन शुरू करूंगी तो। लेन देन शुरू करने के लिए पल्ले भी तो कुछ होना चाहिए। अजी, पल्ले तो किसी के कुछ भी नहीं होता, लेकिन दुनियादारी के लिए रख रखाव और दिखावा तो करना ही पड़ता है। मगर ये 1200 रुपए कहाँ से आएंगे? वो मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ मुझे शादी पर जाना है और मुझे पैसे चाहिए। मगर लाऊं कहाँ से? लाऊं कहाँ से? आप मर्द हैं, इस घर के मालिक हैं, इस घर की हर जरूरत को पूरा करना आपका काम है। आप चोरी कीजिए, डाका डालिए, कुछ भी कीजिए, मुझे पैसे चाहिए। जीजाजी आहिस्ता बोलिए, आप नहीं जानते सपना का कल इम्तिहान है और वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है। 1, 2, 3, 4
सपना सपना क्या हुआ सपना 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 अरे ये तो मां बनने वाली है, ये आपकी बेटी है क्या? क्या ये क्या हो गया मुझसे? आप इस घर के मालिक हैं, इस घर की हर जरूरत को पूरा करना आपका फर्ज है। आप चोरी कीजिए, डाका डालिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। मैं कहती हूँ मुझे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो करमचंद, लेकिन अपने बीवी बच्चों की हर जरूरत को पूरा करो। सोच क्या रहे हो? तुम्हारे घर को पैसों की जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करने का तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है, चोरी, डाका। इज्जत की कीमत आजकल के जमाने में 10,000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं सपना। लेकिन मैं माँ से क्या करूँगी? तुम्हारी माँ समझदार औरत है, ये पैसा उसके सामने रख देना तो खुद ही समझ जाएगी। याद नहीं जब गोपाल तुम्हें मेरे साथ देखकर तुम्हें जबरदस्ती घर ले गया था, तो बजाय तुम्हें और मुझे कुछ कहने के उसने गोपाल को ही बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। इस सब क्यों शोर मचा रहे हैं? दरवाजा खोल सपना। मैं कहती हूँ चुप हो जाइए, उसकी पढ़ाई खराब होगी। उसकी पढ़ाई तो खत्म हो गई भगवंती, अब तो उसने कमाई भी शुरू कर दी है। क्या बकवास कर रहे हैं?
बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ। पूरे 10,000 रुपए कमा कर लाई है तेरी बेटी। तुझे अपनी भांजी की शादी के लिए 10-12 सौ की जरूरत थी ना, वो पूरी हो गई। अब तो दूध वाले, मकान वाले, बनिए वगैरह सबका बिल देकर भी 5-6 हजार रुपया बचेगा भागवंती। आप पागल तो नहीं हो गए? पागल? जो मैं देख कर आया हूँ भागवंती, वो दुनिया का कोई भी गैरतमंद बाप देखता तो पागल हो जाता, उसका कलेजा फट जाता। क्या देखा है आपने? मैंने अपने खानदान की इज्जत का सौदा होते देखा है, तुम्हारी बेटी को इस्मत के दाम लेते हुए देखा है भागवंती। मेरी फूल जैसी बेटी के लिए ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? घर के आंगन का फूल ही जब रास्ते की धूल में जा मिले भागवंती, तो शर्म कैसी। तो खुद दरवाजा खुलवा और भर ले अपनी झोली उन रुपयों से जो तुम्हारी बेटी दीवानचंद से लेकर आई है। खुलवा दरवाजा। मेरी बेटी घर से बाहर जाती तो क्या मुझे दिखाई नहीं देता? मैं अंधी हूँ क्या? भागवंती, माँ अंधी भी हो तो उसे कदमों की आहट से पता चल जाता है कि उसके बच्चे किस रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन तूने अपनी आंखों पर लापरवाही की पट्टी बांध ली, और वो पट्टी उस वक्त भी खोलने की कोशिश न की जब गोपाल तुम्हारे पास सपना और दीवानचंद की शिकायत लेकर आया था। तो क्या मैं उस बदमाश बच्चलन की बात मान लेती जो खुद एक लड़की को भगा कर था? उठो चल कर देख, तुम्हारी कुमारी बेटी अपनी कोख में पाप की निशानी लिए हुए है। उठ उठो देख, देख उठ। उनके सर पर खून सवार था, कहीं वो गुस्से में कुछ करना बैठे। गोपाल मेरे बेटे, अब तुम ही मेरे सुहाग को बचा सकते हो। मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, बहुत जुल्म किया है तुम पर, लेकिन मेरे बेटे ये तो सोचो मैं जिनके लिए तुमसे मिन्नत कर रही हूँ वो सिर्फ मेरे पति ही नहीं तुम्हारे पिता भी है। करमचंद, ये ठीक है मैंने तुम्हारी बेटी को 10,000 रुपए दिए, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे खानदान की इज्जत को अपनी इज्जत समझता हूँ, और वो इज्जत खतरे में थी। करमचंद, मैं जानता हूं तुम इस वक्त गुस्से में हो, लेकिन इतना समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि अगर तुम्हारी बेटी तुमसे छुपकर मुझसे मिलने आ सकती है तो दूसरों के पास भी जाती होगी, और कौन जानता है कि उसके होने वाले बच्चे का बाप मैं या कोई और। देखो करमचंद, मेरी तुम्हारी दोस्ती बचपन की दोस्ती है। तुमने तो दोस्ती का निभा दिया दीवानचंद, अब मुझे अपना फर्ज निभाना। करमचंद, ताकि दुनिया हमारी दोस्ती से सबक सीखे और किसी को दोस्त कहने से पहले 1,000 बार सोचे। मुझे अफसोस इस बात का नहीं कि मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले रहा हूँ, बल्कि अफसोस इस बात का है कि मैंने तुम्हें कभी अपना दोस्त कहा था। दीवान अपने दामन पे लगे खून के धब्बे तुमने मिटा दिए करमचंद, लेकिन जो दाग तुम्हारी पेशानी पे है उसे कौन मिटाएगा? दुनिया से भले छुपा लो, लेकिन तुम खुद तो जानते हो कि तुम एक मुजरिम हो, तुम एक खूनी हो। वो इस काबिल था, उसने मेरी बेटी की इज्जत लूटी, मेरी बेटी की इज्जत लूटी। वजह कुछ भी हो करमचंद, तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी।
इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हारे होते हुए तुम्हारी बेटी ने आत्महत्या कर ली। जरा सोचो, तुम्हें फांसी होने के बाद तुम्हारे दूसरे बच्चों का क्या हाल होगा। हो सकता है करमचंद उन सबको आत्महत्या करनी पड़े, उन सबको आत्महत्या करनी पड़े, उन सबको आत्महत्या करनी पड़े। डॉक्टर साहब, लाला जी को दिल का दौरा पड़ा है। चिंता करने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। और देखिए, इन्हें बिल्कुल नहीं मालूम होना चाहिए कि गोपाल ने दीवानचंद का खून किया है। मेरा कोई और गवाह बाकी नहीं मिला, मुझे इस केस के मुताबिक और कुछ नहीं कहना। मुलजिम गोपाल, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? तुम खामोश क्यों हो? बोलो बोलो, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? नो मिलाड। मुलजिम गोपाल, क्या तुम्हारी खामोशी को इकबाले जुर्म समझा जाए? नहीं मिलाड। मिलाद, मुलजिम की खामोशी का मतलब सिर्फ ये समझा जाए कि झूठ बोलने की इसे आदत नहीं है और फर्ज की खातिर सच कहना नहीं चाहता। क्या तुम इस मुकदमे पर कोई रोशनी डाल सकते हो? मिलाद, मैं सिर्फ मुलजिम का ही नहीं बल्कि इस मुकदमे का भी जन्मदाता हूँ। मैं बयान देने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? नहीं बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप बाबूजी? हो सकता है कि मेरा बेटा मुझे इस अदालत से बचा ले, मगर उस अदालत से मुझे कौन बचाएगा मिलाड, जहां जाकर मुझे अपना हिसाब किताब खुद देना है। मिलाड, मैं अपने जुर्म का इकबाल करता हूं। दीवान चंद का खून मैंने किया। नहीं, नहीं। मैं जानता हूं जज साहब कि मुझे इस जुर्म की सजा मिलेगी, मगर मेरा असली जुर्म इस जुर्म से भी बड़ा है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि मुझे उस जुर्म की सजा भी दी जाए। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? मेरा जुर्म सिर्फ एक कत्ल ही नहीं जज साहब, बल्कि छह ऐसी जिंदगियां भी हैं जिन्हें इस संसार में लाने का मुझे कोई हक न था। इंसान को औलाद उतनी पैदा करनी चाहिए जज साहब जिसे वो अच्छी तरह पाल सके। आमदनी कम और बच्चे ज्यादा, इससे बड़ा और कोई पाप नहीं है जज साहब, इससे बड़ा और कोई पाप नहीं है। अगर इस बात का एहसास मुझे पहले हुआ होता तो शायद इस मुकदमे का जन्म ही ना होता और मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मेरे दोस्त ने मेरी बेटी की इज्जत न लूटी होती। मेरी बेटी ने वो दुपट्टा जो उसके सर पे होना चाहिए था फंदा बनाकर अपने गले में न डाला होता जज साहब, और आज 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 मैं इस कटहरे में खड़ा न होता। जज साहब, मौत से बढ़कर भी कोई सजा हो तो वो मुझे मिलनी चाहिए, ताकि वो बदनसीब लोग जो बढ़ती हुई औलाद को भगवान की देन समझते हैं जिंदगी और मौत से सबक सीखे। मैं तो कहता हूं जज साहब, अदालत जिस तरह चोरी धोखे और कत्ल के लिए सजा देती है उसी तरह एक कानून और पास होना चाहिए मुझ जैसे लोगों को सजा देने के लिए, ताकि कोई करमचंद किसी सपना को पैदा ना करे, किसी दीवान चंद को उसकी इज्जत लूटने का मौका ना दे और ना ही कातल बनकर दुनिया के सामने तमाशा बने। जय साहब सलाम। अम्मा
स्वामी, जिंदगी भर ना तो मैं अच्छी पत्नी बन सकी और ना अच्छी माँ। अब मैं अपना और अपने बच्चों का बोझ गोपाल पर डालकर उसे और मुसीबत में डालना नहीं चाहती। मैं अपने हाथों से बच्चों को जहर तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं खुद आपके पास आ रही हूँ। माँ, ये क्या? गोपाल, ये क्या? गोपाल, मैं अब तुम्हारे लिए बोझ बनना नहीं चाहती, मुझे मर जाने दो। नहीं माँ, मेरा मन नहीं अच्छा है। माँ बच्चों के लिए बोझ नहीं होती, बल्कि बच्चों का स्वर्ग होता है माँ के कदमों में। हमसे हमारा स्वर्ग मत छीनिए। अरे मीना, तुम कहाँ जा रही हो? आज से मैं भी काम पे जाया करूंगी। काम पे? मैं जानती हूँ आपके सपने बिखर जाएंगे कि मैं घर को संभालूं और बच्चों की देखभाल करूं, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और मेरा काम करना बहुत जरूरी है।